हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस इज बरखा गुप्ता सो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 के यूनिट्स के ओवरव्यू के बारे में कि इस बुक में हमने कौन कौन से यूनिट्स पढ़ना है और किस यूनिट में क्या डिस्कस करना है सो so आज हम इस वीडियो में आपका फर्स्ट यूनिट इंटरनेट बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेट बेसिक्स में हमें क्या कंटेंट को फॉलो करना है इस यूनिट में कितने टॉपिक्स है जो हमें कवर करने आने वाले वीडियोस में सो लेट्स स्टार्ट यहां हम कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं आपके फर्स्ट यूनिट इंटरनेट बेसिक्स का जिसमें फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन अब इंट्रोडक्शन से आप सभी अवेयर हैं. इसमें हमें क्या डिस्कस करना है इंटरनेट क्या है कैसे बना ओके okay. और किस टर्मिनोलॉजीज का हम यूज करने वाले हैं क्लियर नेक्स्ट जो है इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट के कंपोनेंट्स के बारे में लाइक like, इंटरनेट के कंपोनेंट्स जैसे कंपोनेंट में हमें सबसे बेसिक जो नीड होती है वो कंप्यूटर्स की नीड होती है कंप्यूटर्स कैसे कनेक्ट होते हैं क्लियर कौन कौन से टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं जिनका यूज़ करके हम इंटरनेट फॉर्म करते हैं इंटरनेट कैसे जनरेट हुआ या फिर बोल सकते कब इंट्रोड्यूस हुआ था उसकी कुछ हिस्ट्री भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ओके थर्ड जो पार्ट है वो है वर्ल्ड वाइड वैब वर्ल्ड वाइड वेब देखिए बच्चों यहां बहुत कंफ्यूजन होता है कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एग्जैक्टली exactly नहीं पता होता है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है ये कैसे वर्क करते हैं क्या ये डिफरेंट थिंग है या ये सेम थिंग है तो वर्ल्ड वाइड वेब वाले फर्स्ट थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इंटरनेट क्या है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है एक्चुअल डिफरेंस क्या है दोनों में क्लियर फोर्थ पार्ट जो है वो इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़ इंटरनेट टर्मिनोलॉजी इन द सेंस कि इंटरनेट जब आप यूज कर रहे होते हो तो उस टाइम पे जिन टर्म्स का हम यूज करते हैं जैसे क्लाइंट सर्वर वेब पेज वेब एड्रेस प्रोटोकॉल्स ओके तो ये सारी चीजें ये सारी टर्म्स क्या होती है वो इस फर्स्ट पार्ट में आपको शॉर्टली जानना है क्योंकि से हम उन टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ओके okay? तो 1.5 जो है वो है वेब सर्वर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट वेब सर्वर क्या होते हैं कितने टाइप के सर्वर होते हैं सबसे बेसिकली हम सर्वर समझ ही लेते हैं क्या होता है सर्वर आपको सभी को पता है जब आप इंटरनेट पे कुछ सर्चिंग करते हो तो सर्च करते हो तो उसके बाद में आपके सामने आंसर्स आते हैं जो भी सर्च करते हो उसका आउटपुट शो होता है वो आउटपुट कहाँ सेव होता है कहाँ से आपके पास आता है वो आउटपुट सर्वर पे सेव होता है तो सर्वर सिस्टम से एक्चुअली आपका जो रिक्वेस्ट होता है वो रिक्वेस्ट सर्च होता है और उसके रिगार्डिंग आपको आउटपुट शो होता है तो सर्वर बहुत ज़्यादा पावरफुल सिस्टम्स होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम्स होते हैं जो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं ओके Next, है, website. अब टर्मिनल से आप सभी है, है अवेयर है तो हम कहा जाते हैं, पे जाते हैं. आपके के कुछ चाहिए तो आप स्कूल की जाते हो तो वेबसाइट सिंपल क्या होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मतलब बहुत सारे ऐसे पेजेस या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको कलेक्ट करके वेबसाइट बनती है ओके नाउ वेब पेजेस क्या होते हैं जो अभी मैंने ये दोनों इंटरलिंक पार्ट है बेटा ओके वेब पेजेस क्या होते हैं सिंपल आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया वो डॉक डॉक फाइल हो गई या वो कोई पेज हो गया यदि आप उसको इंटरनेट पे अपलोड करते हो इंटरनेट से लिंक करते हो तब वो बनता है पेज पेज वेब है ना तो वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेट से लिंक्ड होता है और ऐसे जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और उन सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं वेबसाइट के नाम से जानते हैं ओके वन पॉइंट एट जो है वो है वेब ब्राउजर अब हमने बात की अभी यहाँ पर कि वेबसाइट और वेब पेज होते हैं अब वेबसाइट वेब पेज को एक्सेस कहाँ करते हैं इंटरनेट पे कोई सॉफ्टवेयर हो की जरूरत होती होगी कोई प्रोग्राम्स की नीड होती है हमें तो वो सॉफ्टवेयर और वो प्रोग्राम होता है वेब ब्राउजर जैसे आप जनरली जिसका यूज करते हो गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोर वॉट दे आर दे आर वेब ब्राउजर्स जिनके ऊपर हम वेब पेजेस और वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं है ना इंटरनेट का कोई भी फीचर है वो हम वेब ब्राउजर के थ्रू ही एक्सेस करते हैं नेक्स्ट है ब्लॉग्स ब्लॉग्स अपने आप में एक इंटरनेट की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसमें क्या होता है आप अपने पर्सनल व्यूज को या आप अपनी एक्टिविटीज को शेयर कर सकते हो लाइक like जैसे आप पर्सनल डायरी लिखते हैं हम तो पर्सनल डायरी ऑन पेपर लिखते हैं बस उसी को अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली लिखते हो डॉक्यूमेंट फाइल में लिखते हो, इंटरनेट पे अगर आप उस पेज को अपलोड कर देते हो तो वो ब्लॉग्स तो या पॉलिटिशियंस होते हैं वो सब डेली अपडेट करते हैं अपने ब्लॉग्स को ओके तो ये कुछ नाइन टर्म्स थी नाइन पार्ट थे जो हमें इस पर्टिकुलर इंटरनेट बेसिक चैप्टर में पढ़ना है और भी कुछ पार्ट रिमेनिंग है लाइक वेब एड्रेस अब वेब एड्रेस क्या होता है सपोज आप अपने स्कूल का वेबसाइट या आप मैग्नेट को जब सर्च करते हो तो आप किस नाम से सर्च करते हो वो नाम होता है, actually, एड्रेस. है ना? एड्रेस को यू को एल बोलते हैं है किसी भी टास्क को या किसी भी चीज को सर्च जब आप इंटरनेट हो तो उसके नाम से उसके एड्रेस से हम सर्च करते हैं सपोज आप जब मैग्नेट ब्रेन को सर्च करते हो तो आप क्या लिखते हो डब्ल्यू 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 डॉट मैग्नेट डॉट कॉम तो ये एक वेब एड्रेस होता है जिसे हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं किसका यूज करके सर्च करते हैं वेब ब्राउजर का यूज करके सर्च करते हैं ओके और इसी को यूआरएल भी कहा जाता है यूआरएल इट मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ओके नेक्स्ट है न्यूज ग्रुप्स अब न्यूज ग्रुप क्या होता है इंटरनेट पे आप न्यूज सभी पढ़ते होंगे राइट तो न्यूज पेपर ऑन पेपर होता है अब जब इंटरनेट पे कुछ न्यूज को आपको एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं ये इंटरनेट एप्लीकेशन का एक फीचर है न्यूज ग्रुप जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और आइडियाज को और एक्शंस को शेयर करते हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है कि क्या वर्ल्ड में चल रहा है एक्चुअली क्या न्यूज़ है वो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है तो न्यूज़ ग्रुप भी एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है इंटरनेट का नेक्स्ट है एस टी एम एल इज हाइपरटेक्स

बेसिकली वेब वेब पेजेस पेजेस को को क्रिएट क्रिएट करने में हेल्प करती है वो है वो लैंग्वेज जिसमें हम को कर सकते हैं इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं ओके और इस लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग होती है वो टैग्स में एलिमेंट्स के फॉर्म में होती है लास्ट जो पार्ट है आपकी यूनिट का वो है प्रोटोकॉल्स अब वॉट इज प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल सभी ने सुना भी होगा होप प्रोटोकॉल क्या होते हैं इंटरनेट पे जो भी आप वर्क कर रहे होते हो वो वर्क बिना प्रोटोकॉल के पॉसिबल नहीं होता है सपोज आप कोई फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे यदि ट्रांसफर भी कर रहे हो तो वहां भी एक प्रोटोकॉल वर्क करता है या इंटरनेट पे गूगल पे आपको सर्च भी कर रहे हो तो वहां भी एक बैक में प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होता है प्रोटोकॉल बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इंटरनेट पे जो भी एक्शंस होते हैं जो भी वर्क आप करते हो तो उसमें हेल्प करते हैं ओके जैसे फाइल ट्रांसफर करने के लिए टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल होता है एफटीपी प्रोटोकॉल होता है तो ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं तो स्टूडेंट्स ये था आपकी इंटरनेट बेसिक्स वाले चैप्टर का कंटेंट जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना चैप्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इंटरनेट बेसिक्स इंटरनेट बेसिक्स का हम फर्स्ट पार्ट जो है इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या डिस्कस करना है दैट हाउ नेटवर्क नेटवर्क फॉर्म कैसे होता बनता है है ना क्योंकि नेटवर्क से ही कहीं ना कहीं इंटरनेट बनता है तो अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि जब टू कंप्यूटर्स और टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स है ना जब टू और टू मोर देन टू कंप्यूटर या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होता है कनेक्ट okay, होकर वो क्या कर रहे होते हैं या तो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या कोई रिसोर्स को शेयर कर रहे होते हैं ओके, okay? सो so, इस जब इस तरीके काट टू ईच अदर देन वी कैन से नेटवर्क है ना इट इज अन इंटरनेट जिसमें वो वर्क कर रहे हैं कुछ डेटा की शेयरिंग कर रहे हैं कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इट इज अ डेफिनेशन

जब मल्टीपल थिंग्स आपस में कनेक्ट होती जाती हैं, तो हम यह बोलते हैं कि नेटवर्क बहुत ज्यादा इनहस होता है, जाता है कहीं ना कहीं नेटवर्क क्रिएट होता है यू हैव heard अबाउट टर्म्स लाइक नेटवर्क ऑफ रोड्स है ना बहुत सारी रोड्स जब आपस में कनेक्ट होती है तो वी कैन network ऑफ rails, एंड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द ग्लोब इज कॉल्ड इंटरनेट जब ग्लोबली बहुत सारे कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं या बहुत सारे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हम उसे बोलते हैं इंटरनेट अब इंटरनेट में कैसे नेटवर्क बनते हैं There are three types और नेटवर्क हमने डिस्कस भी किया था लाइक लैन मैन एंड वैन तो यहां के नेटवर्क्स होते हैं मतलब जो स्मॉल रेंज के लिए यूज होता है जो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है लाइक like बिल्डिंग कोई ऑफिस हो गया है ना तो वहां पे आठ से दस कंप्यूटर आपस में लिंक है और नेटवर्क में शेयर हो रहे हैं इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क लैन मैन जो होता है वो होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है ना जो लैन से ज्यादा एरिया को कवर करता है बट वैन से कम तो इसको हम बोलते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क अब मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है जो सिटी टू सिटी नेटवर्क होता है मतलब दो सिटीज को आपस में या दो टाउन को आपस में कनेक्ट करके जो नेटवर्क में एक्सेस कर रहे होते हैं हम सिस्टम को वो इंटरनेट जो होता है वो कहलाता है मेन ऐसी वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है इन दोनों से लार्जर एरिया को कवर करता है ओके वाइड एरिया नेटवर्क इट इज वाइड वाइड मतलब बहुत ज्यादा पूरे जियोग्राफिकल एरिया को पूरे ग्लोब में पूरे वर्ल्ड में जो नेटवर्क है वो है वाइड एरिया नेटवर्क और इसी का एग्जाम्पल एक्चुअल है इंटरनेट क्लियर तो इंटरनेट में क्या है ग्लोबली सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन करते हैं और बोल सकते हैं रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं क्लियर इन दिस चैप्टर वी शेल टॉक अबाउट सम टेक्निकल बेसिक्स रिलेटेड टू नेटवर्क स्पेशली इंटरनेट तो अब इस चैप्टर में हम इंटरनेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कुछ उसके टेक्निकल बेसिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे ओके सो लेट्स गो फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स अब इंटरनेट और इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एज यू ऑल नो दैट इंटरनेट इज कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क जैसे मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है आपको यदि किसी और कंट्री में बैठ, बैठे पर्सन से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप विदिन अ मिनट सेकेंड्स में गैदर कर सकते हो क्लियर इट कैन बी अज्यूम्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन आई क्लियर क्लियर यू प्रीवियसली कि ये किसका एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है

टू शेयर वेरियस रिसोर्सेज रिसोर्सेज को शेयर करते हैं सच एस पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स एंड डेटा बेस ऑफ इंफॉर्मेशन अब रिसोर्सेज क्या होते हैं रिसोर्सेज के अंदर कुछ कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ डेटा बेस हो सकते हैं या प्रिंटर बोल सकते हैं हम स्कैनर बोल सकते हैं तो जब कोई अदर डिवाइस को भी नेटवर्क में शेयर किया जाता है तो उसे हम रिसोर्स बोलते हैं ओके द इंटरनेट हैज मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अब इंटरनेट से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि हम इफेक्टिवली और इनएक्सपेंसिवली एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर हम उनके आइडियाज को जो वो इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हो क्लियर तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में बेसिक्स के बारे में समझें कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट में किस तरीके के टर्म्स को यूज किया सो so, नेक्स्ट जो वीडियो उसमें हम बहुत important -component discuss करेंगे इस इस का जिसका नाम है World Wide Web. So, students, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से hopefully, समझ गए होंगे इस क्या होता है, कैसे एराइज हुआ है है ना तो वर्ल्ड वाइड वेब को समझने के पहले हम समझते हैं कि इंटरनेट कैसे एराइज हुआ किसने इन्वेंट किया लाइक like दिस ओके okay, तो इंटरनेट जैसा मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक नेटवर्क फॉर्म करने के लिए एजेंसी को हायर किया जिस एजेंसी का नाम था अरपा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अब इस एजेंसी ने एक नेटवर्क बनाया जो क्या कर रहा था जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उनके दो यूनिवर्सिटीज के बीच के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके टेक्चुअल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा था सिंपल उनको दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना था अलग अलग यूनिवर्सिटीज के यूनिवर्सिटी ऑफ उटा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया तो डिफेंस डिपार्टमेंट की ये दो यूनिवर्सिटीज थी इन दो यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक एजेंसी को हायर किया जिस एजेंसी का नाम था अरपा और उस एजेंसी ने एक नेटवर्क फॉर्म किया जिसका नाम था अर्पा नेट तो इंटरनेट पे जो सबसे पहला इंटरनेट या नेटवर्क बना था वो 1969 में अर्पानेट बना था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क क्लियर ये जो अर्पानेट था इसमें कैपेबिलिटीज भी कम थी इसकी रेंज भी कम थी क्लियर इसके बाद नाइनटीन में दूसरा नेटवर्क बना जिसे हम बोलते हैं एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक दूसरा नेटवर्क क्रिएट किया जिसका नाम था एनएसएफ नेट क्लियर तो ऐसे जब बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क बनते गए और प्राइवेट नेटवर्क बनने के साथ साथ नाइनटीन नाइनटीज में इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ नाइनटीन नाइन्टीज में क्या हुआ इंटरनेट डेवलप हुआ कि इंटरनेट ने कैसे पॉपुलैरिटी गेन किया क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क लाइक एन एस एफ नेट अर्पानेट और बहुत सारी एजेंसीज थे जिनके इंटरनेट आपस जिनके नेटवर्क आपस में कनेक्ट हुए और इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया अब डब्ल्यू 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 क्या होता है फ्रॉम द लेट नाइनटीन नाइनटीज द इंटरनेट वॉज कम्युनिकेशन एंड रिसर्च टूल है ना जैसे मैंने बताया कि नाइनटीन नाइनटी में मॉडर्न इंटरनेट आया तो वो क्या क्या था कम्युनिकेशन और एक रिसर्च टूल था जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकते थे और कुछ सर्च कर सकते थे है ना समाइम ऑफ सर्चिंग वर्क कर सकते थे यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अकेडमिक एंड मिलिटरी पर्पज और इसको जो बेसिकली यूज किया गया था वो अकेडमिक और मिलिटरी परपज के लिए यूज किया गया था This changed radically with the introduction of the वाइड Web और Web in short 1989। एटी अब क्या हुआ 1990 के बाद जब इस तरीके से इंटरनेट को एक्सेस किया गया तो वर्ल्ड वाइड वैब को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक अकेडमिक और मिलिट्री हम बोल सकते कुछ टेक्सचुअल कम्युनिकेशन के लिए ही हुआ था लेकिन वर्ल्ड वाइड वैब जैसी आया तो उसमें क्या हुआ कि आप मल्टीमीडिया के फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हो थे लाइक आप ग्राफिक्स को शेयर कर सकते थे वीडियोज ऑडियोज म्यूजिक है ना तो वर्ल्ड वाइड वेब एक्चुअल क्या है वो हम इस डेफिनेशन से समझेंगे द वर्ल्ड वाइड वेब इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स ओके स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स गवर्निंग द वेज इन विच मल्टीमीडिया फाइल्स आर क्रिएटेड एंड डिस्प्लेड ऑन इंटरनेट सिंपल वर्ल्ड वाइड वेब क्या है प्रोटोकॉल से स्टैंडर्ड से प्रोग्राम है या वो एक बहुत बड़ा या पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया फाइल्स को क्रिएट करके ओवरऑल इंटरनेट पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो क्लियर अब मल्टीमीडिया फाइल्स में क्या आता है डॉक्यूमेंट्स आते हैं टेक्स्ट आती है फोटोग्राफ्स ग्राफिक्स वीडियोस ऑडियोस तो जिस भी टाइप का डाटा होता है उस डाटा को आप इंटरनेट पे एक्सेस करते हो तो कैसे एक्सेस करते हो किसके थ्रू एक्सेस करते हो वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर टूल के थ्रू एक्सेस करते हो तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम क्या बोल सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स कि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स इन सबका कलेक्शन है जो वर्ल्ड में किसी भी जगह पर आप इंटरनेट पे पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को मीडिया को वीडियो को फाइल को फोटोग्राफ को किसी को भी किसी भी टाइप के डेटा को आप वर्ल्ड वाइड वेब से एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी होप आपको वर्ल्ड वाइड वेब समझ में आया होगा सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के कुछ और टर्म्स बिफोर वर्ल्ड वाइड वैब वर्ल्ड वाइड वेब होने के पहले क्या था इंटरनेट वॉज मेनली यूज फॉर ऑप्टेनिंग टेक्चुअल इंफॉर्मेशन इंटरनेट से सिर्फ आप टेक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते थे ठीक है वर्ल्ड वाइड वेब के पहले लेकिन जब वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस किया गया द इंटरनेट पॉपुलरिटी ग्रू ट्रमेंडसली इंटरनेट की पॉपुलरिटी बढ़ती गई बिकॉज ऑफ ग्राफिक इंटेंसिव नेचर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू क्योंकि डब्ल्यू 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 का कौन सा नेचर इंट्रोड्यूस किया था ग्राफिक है ना तो ग्राफिक जो उसका पार्ट था जब वो इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड वाइड वेब में तो इंटरनेट की पॉपुलरिटी बढ़ती गई और आज इतना पॉपुलर है इंटरनेट कि हम इंटरनेट के बिना हमारी लाइफ को सपोज नहीं कर सकते हैं

अब 1989 से 1991 के बीच में www को हम HTML लैंग्वेज के फॉर्म में भी यूज करने लगे इट मीन जब आप वेब पेज को क्रिएट करने लगे यहाँ पर इस ड्यूरेशन में तो वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा था HTML लैंग्वेज को या फिर हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ब्राउजर का भी यूज करने लगे इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए क्लियर तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू एक्चुअल है क्या और इंटरनेट क्या है नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट और डब्ल्यू में क्या डिफरेंस है आपको अभी इतना तो क्लियर हुआ होगा कि इंटरनेट इज जस्ट अ कनेक्शन इंटरनेट में हम सिर्फ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं लेकिन यदि है आपको कंप्यूटर पे इंटरनेट का यूज करके किसी टर्म को सर्च करना है या आपको किसी फाइल को एक्सेस करना है या कोई वीडियो या कोई ऑडियो सुनना है तो उसके लिए हमें जिसका यूज करना पड़ता है वो है वर्ल्ड वाइड वेब सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं हाउ इंटरनेट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वैब डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वैब एंड इंटरनेट मोस्ट पीपल थिंक दैट वेब इज इंटरनेट एंड वाइस विच इज नॉट ट्रू है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज है बट ऐसा नहीं है लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक लार्ज पार्ट है

तो हम डब्लू डब्ल्यू जो इंटरनेट का एक पार्ट है उसको मोस्ट वाइडली यूज कर रहे हैं बट द इंटरनेट इज जस्ट द वेब पेजेस दैट यू यूज एवरी नोट डे इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्सोलू वॉज प्रपोज फॉरम्स अब देखो आप डब्ल्यू 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 में किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर जो इंटरनेट में नहीं होते हैं फर्स्ट है फॉरम्स जो डब्ल्यू 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 ने प्रपोज किया है फॉरम्स क्या होता है वे आर पीपल कैन सीक हेल्प एंड एडवाइज अबाउट अ टॉपिक जब पर्सन को किसी टॉपिक के बारे में जानना होता है या किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए होता है या कुछ हेल्प चाहिए होती है तब हम फॉरम्स का यूज करते हैं तो फॉरम्स एक पार्ट है डब्ल्यू डब्ल्यू का जिसके थ्रू पीपल क्या करते हैं हेल्प ले सकते हैं या फिर किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं रिसर्च डेटाबेस डब्ल्यू के पास अपने डेटाबेस होते हैं हाई प्रोफाइल डेटाबेस होते हैं जो क्या कर सकते हैं जैसे किसके डेटाबेस हो सकते हैं लाइक कोई यूनिवर्सिटीज के हो सकते हैं या कोई लार्ज कंपनी के डेटाबेस हो सकते हैं जहां से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो डब्ल्यू का है वो है यूजनेट अब यूजनेट क्या होता है यूजनेट बेसिकली डिस्कशन ग्रुप्स है अबाउट अ स्पेसफ़िक सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल गूगल ग्रुप्स आप सभी ने गूगल ग्रुप्स देखा होगा न्यूज ग्रुप्स देखे होंगे जिससे हमें न्यूज मिलती है है ना तो ये भी इस तरीके से यूजनेट होता है जिसमें क्या करते हैं हम डिस्कशन कर सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ जैसे गूगल हैंगआउट्स होते हैं गूगल ग्रुप्स क्रिएट करते हो आप व्हाट्सअप पे भी अपने ग्रुप क्रिएट करते हो सिंपल वैसे ही नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ई मेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ये भी डब्ल्यू डब्ल्यू का एक मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर है या पार्ट है हम बोल सकते हैं ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना ई मेल सभी करते हो आप अपनी ई मेल आई डी क्रिएट करते हो उसके बाद और इंस्टेंट मैसेजिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक है ना तो ऐसे जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिस जो आपको ऑडियो वीडियो कॉलिंग और टेक्सचुअल कन्वर्सेशन विद ग्राफिक्स प्रोवाइड करते हैं क्विकली है ना इंस्टेंटली तो वो सॉफ्टवेयर भी किसका पार्ट है डब्ल्यू 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 का ही एक पार्ट है

इंटरनेट एक कंटेनर है और डब्ल्यू उसका एक आइटम है जिसके थ्रू हम सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं क्लियर होप आपको इंटरनेट और डब्ल्यू में डिफरेंस अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यदि आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड इंटरनेट तो आप अच्छे से आंसर को लिख सकते हैं सो आर यू रेडी लेट्स स्टार्ट इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज अब इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं इंटरनेट को जब हम यूज करते हैं तो उसमें जितनी टर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी टर्म्स होती है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं और वो क्या होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इन टर्मिनोलॉजीज को हमें डिटेल पूरे चैप्टर में पढ़ना है क्लियर सबसे पहली जो टर्म है वो है वेबसाइट जैसा मैं पहले भी आपको पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि वेबसाइट क्या होता है वेबसाइट का एक डेफिनेशन हम यह समझ रहे हैं क्योंकि बच्चों आपके माइंड में ये तो क्लियर है कि वेबसाइट क्या होता है वेबसाइट के नाम भी आपको होपफुली पता है

उस बुक में क्या होता है पेजेस हैं आपकी बुक में सपोज 200 पेजेस हैं ओके तो वो पेजेस हैं क्लियर अब उन पेजेस को बाइंड करके आपने एक बुक में कवर किया हुआ है तो वो बुक क्या हुई वेबसाइट की तरह ट्रीट होती है तो सिंपल यहाँ वेबसाइट क्या होता है वेब पेजेस का जो कनेक्टेड वेब पेजेस होते हैं उनका कलेक्शन होता है ओके डिजाइंड विद अ सर्टेन गोल इन माइंड जिसको डिजाइन किया जाता है कुछ गोल के गोल को लेकर कुछ ऑब्जेक्टिव को लेकर क्लियर जैसे अभी हम बात करते हैं आपके स्कूल का वेबसाइट ले लेते हैं ओके okay? तो आपके स्कूल की जो वेबसाइट है उसमें कौन कौन से पेजेस मिलते हैं आपको एडमिशन से रिलेटेड मिलेगा फीस से रिलेटेड मिलेगा स्कूल का कुछ स्पोर्ट्स है गेम्स है उससे रिलेटेड पेजेस मिलेंगे क्लियर तो यहाँ पर हम हमारे स्कूल को माइंड में रखकर एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हैं जिसमें सारी डिटेल किसकी होती है सारे पेजेस किसके होते हैं स्कूल के होते हैं क्लियर तो इसी तरीके से यहाँ पे वेबसाइट क्या होती है बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट होता है इसको हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे क्लियर इसका एक एग्जाम्पल बता दो सपोज आप मैग्नेट ब्रिंस को एक्सेस कर रहे हो तो मैग्नेट ब्रिंस का भी एक वेबसाइट है जिसका नाम है डब्ल्यू 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 डॉट मैग्नेट डॉट कॉम क्लियर नेक्स्ट है वेब पोर्टल अब वेब पोर्टल क्या होता है वेब पोर्टल होता है जिसमें बहुत सारी वेबसाइट्स को आप यूज करते हो अलग अलग है ना इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एमपी ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन सभी को पता है एमपी ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं हम टिकट्स बुक करवा सकते हैं किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल कर सकते हो है ना और भी बहुत सारे ऐसे पोर्टल से वेबसाइट से जिनका यूज हम एक पोर्टल में कर सकते हैं तो पोर्टल क्या हो गया अ वेबसाइट और सर्विस दैट अ ब्रॉड अवे ऑफ रिसोर्स है ना जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो बहुत सारे ब्रॉड रिसोर्सिस को एक ही जगह पर यूज कर सकते हो वो वेब पोर्टल कहलाता है फॉर एग्जाम्पल ई मेल फॉरम्स सर्च इंजींस एमंग अदर्स इसमें कुछ साइट्स होती है जैसे एमएसएन याहू इंडिया टाइम्स एक्सेट्रा तो इस तरीके की जब वेबसाइट्स क्रिएट होती है जिनमें हम बहुत सारे अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज को एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं तो वो कहलाते हैं वेब पोर्टल्स ओके

इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब वेब मतलब इंटरनेट इंटरनेट से जब आप किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हो तो एक्सेस करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की हम हेल्प लेते हैं वो कहलाता है वेब ब्राउजर इसके एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स नेटस्केप ओपेरा सफारी एटसेक्ट्रा वेब क्लाइंट अब वेब क्लाइंट क्या होता है क्लाइंट क्या होता है सिंपल पहले क्लाइंट समझते हैं क्लाइंट वो पर्सन होता है जो इंटरनेट को एक्सेस करता है सिस्टम पर ठीक है मैं इंटरनेट एक्सेस कर रही हूँ आई एम अ क्लाइंट है ना एक्चुअली हम क्लाइंट नहीं होते क्लाइंट हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है क्लियर तो यहाँ पे क्लाइंट वो सिस्टम होता है जो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है किसी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए कोई डेटा को शेयर करने के लिए ओके तो अब वेब क्लाइंट इज अ प्रोग्राम और अ कंपोनेंट ऑन क्लाइंट दैट रिक्वेस्टेड एंड यूजेस सर्विसेज है ना

तो वेब क्लाइंट आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो या फिर आप किसी और पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो चैट प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं फाइल शेयर कर रहे हो तो कोई फाइल सर्वर या कोई फाइल प्रोग्राम्स भी हो सकता है ओके नेक्स्ट टर्म जो हमें डिस्कस करनी है वो है वेबसाइट सॉरी वो है यू आर एल यू आर एल इट मीन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अब URL क्या होता है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस जैसे आप जहां रहते हो तो वहां आपका कुछ एड्रेस होगा सिंपल वैसे ही यहाँ इंटरनेट पे भी आप जिस 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 फाइल को 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 वेब पेज वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो सर्वर पे वो किसी एड्रेस से सेव से होती है किसी नाम से सेव से होती है वो नाम कहलाता है यू आर एल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना तो सर्वर पे जिस लोकेशन पे वो जिस एड्रेस के जिस नाम से सेव से है वो नाम होता है यू आर एल इट इज द यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑन इंटरनेट इंटरनेट पर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है सिंपल ब्लॉग शॉर्ट फ्रॉम वेब लॉग अब ब्लॉग कैसे जनरेट हुआ ब्लॉग का जो नाम है वो वेब लॉग से जनरेट हुआ वेब लॉग ओके वेब मतलब इंटरनेट इंटरनेट पे लॉग्स होते हैं लॉग्स मतलब कुछ फाइल्स होते हैं कुछ डेटाबेसिस होते हैं तो उससे मिलकर बना है वर्ड ब्लॉग ब्लॉग क्या होता है ये भी एक वेब पेज होता है जिसमें हम क्या लिखते हैं हमारी पर्सनल डायरी जो होती है जो हम ऑन पेपर मैनेज करते हैं बस उसी को हम इलेक्ट्रॉनिकली ब्लॉग में जनरेट करते हैं हमारे डेली के आइडियाज थॉट्स या जो भी एक्टिविटीज होती है जो डेली की अपडेट्स होती है यदि आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट पर वेब पर शेयर करना चाहते हो तो हम ब्लॉग लिखते हैं इसमें हम हमारे खुद के वेबसाइट्स और वेब पेजेस डिजाइन करते हैं तो ब्लॉग इज अ वेब पेज दैट सर्व्स अ पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल जर्नल

राइट्स एंड अपडेट्स एंट्रीज इन हिज और हर ब्लॉग ब्लॉगर कौन सा पर्सन होता है जो रेगुलरली अपने लिख रहा है अपडेशन कर रहा है ओके नेक्स्ट ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग क्या होती है वो प्रोसेस होती है जब हम ब्लॉग को क्रिएट कर रहे होते हैं द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग है ना वो एक्शन जब आप ब्लॉग लिख रहे हो अपडेट कर रहे हो तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्लॉगिंग नेक्स्ट इज न्यूज ग्रुप जैसा मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था न्यूज ग्रुप क्या है एक ऐसा टूल है या एक ऐसा आ, हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम है इंटरनेट पर जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स आपस में कनेक्ट होते हैं और अपने आइडियाज को शेयर करते हैं या यहाँ से हम कुछ न्यूज को एक्सेस करते हैं जो डेली न्यूज होती हैं तो न्यूज ग्रुप्स आर इंटरनेट डिस्कशन फॉरम्स वेयर ग्रुप ऑफ यूजर्स विद कॉमन इंटरेस्ट गेदर

तो ईमेल आईडी भी एक इंटरनेट का एक टर्म है जो डेली यूज होता है है ना यदि हम किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो हमें सर्टेनली ई शेयर करने होते हैं सेंड करने होते हैं तो ये एक बेसिक टर्म है ईमेल अगर इसको लिखने को आता है तो हम कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ई मेल रिफर्स टू मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फ्रॉम वन कंप्यूटर यूजर टू वन मोर रेसिपियंट वी आर इंटरनेट मोस्टली इंटरनेट है ना यहां पे हम वन पर्सन से सेकेंड पर्सन तक मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली दैट इज नोन एज ई मेल नेक्स्ट इज ई मेल एड्रेस अब ट्रांसफर करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर एक पर्सन को दूसरे पर्सन तक ई मेल ट्रांसफर करना है तो so, ट्रांसफर करने के लिए हमें किसकी नीड होती? होती है ई मेल एड्रेस की नीड होती है तो नेक्स्ट है ई मेल एड्रेस एवरी मेल हैज अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स विद अ यूनिक एड्रेस ऑन इंटरनेट नेटवर्क वेयर ई मेल कैन बी सेंट ड्रेस इज नोन एज ई मेल एड्रेस हर एक पर्सन का जिसका ई मेल क्रिएट होता है वो जो ई मेल सेंड कर रहा होता है उसका अपना ई मेल एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है डुप्लीकेट नहीं हो सकता है ईच ई मेल एड्रेस है थ्री सेक्शन अब हर ई मेल एड्रेस का तीन पार्ट होता है वो तीन पार्ट क्या होते हैं सपोज हम मैगनेट ब्रिंस के ई मेल एड्रेस की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट पार्ट तो यह है मैग्नेट ब्रिंस भोपाल ये होता है यूजर का नाम जिसको आपको मेल सेंड करना है फिर उसको हम सेपरेट करते हैं एट द रेट के साइन से और जो थर्ड थिंग होती है वो होती है होस्ट और डोमेन नेम है ना कि आपने जो मेल क्रिएट किया है वो किस वेबसाइट पे क्रिएट किया है वेबसाइट को एक्चुअली यहाँ पर डोमेन कहा गया है ठीक है कि किस पर्टिकुलर वेबसाइट का यूज करके आपने अपना ईमेल आईडी या ईमेल क्रिएट किया हुआ है तो ये पूरा जो है जिसमें यूजर नेम एट द रेट और होस्ट और डोमेन नेम आ रहा है कलेक्टिवली एक ईमेल एड्रेस के नाम से जाना जाता है क्लियर एक और हमने ईमेल एड्रेस लिया हुआ है आपकी बुक का सुमिता अरोरा की बुक क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं अरोरा डॉट सुमीता एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो अरोरा डॉट सुमीता क्या हो गया ई मेल यूजर का नाम हो गया जिसे हमने सेपरेट किया है एट द रेट सिंबल के साथ और जी मेल डॉट कॉम क्या है वेबसाइट का नाम है या डोमेन का नाम है जिस पर आपने ईमेल आईडी क्रिएट किया हुआ है तो बेटा ये सब जो थी एक बेसिक टर्म्स थी जो हमने डिस्कस की जो इंटरनेट पे हम रेगुलरली यूज करते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम इन्हीं सारी टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इन टर्म्स का क्या यूज है कैसे हम इसको इंटरनेट पे यूज करते हैं कैसे हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं और क्या क्या वेबसाइट्स में डिवाइड uh, होती है वेबसाइट्स कैसे क्लियर होब आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो पहले आप इसको बहुत अच्छे से समझिए इसमें सारी डेफिनेशंस हमने कैप्चर किया हुआ है डेफिनेशंस आपको क्लियर होगी तभी हम आगे की वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का, का वेब सर्वर फर्स्ट यूनिट इज योअर इंटरनेट बेसिक्स सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी फर्स्ट यूनिट इंटरनेट बेसिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें हमने क्या स्टडी किया था इंटरनेट क्या होता है उसका एक मेन कंपोनेंट डिस्कस किया था वर्ल्ड वाइड वेब ओके इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने डिस्कस किया था होप आप सभी ने मेरी वीडियो देखी होगी और समझ भी आया होगा कि एग्जैक्टली exactly इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ इंटरनेट एक कनेक्शन है है ना जो नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स के बीच में होता है इट इज सिंपल अ कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम्स ओके लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हम क्या करते हैं सारे इंटरनेट को यूज़ करते हैं इंटरनेट में जितने ऑप्शन है लाइक आपको कुछ अपलोडिंग करना है डाउनलोडिंग करना है आपको कोई फाइल एक्सेस करना है वी, वीडियो एक्सेस करना है ऑडियो सुनना है ओके वो मोर वर्क जितना कंप्लीट वर्क है वो हम वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब एक सॉफ्टवेयर है है ना यह हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं बट इंटरनेट क्या है एक फिजिकल कलेक्शन कनेक्शन है जो अलग अलग कंप्यूटर्स को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट किया हुआ है ग्लोबली कनेक्शन है ओके तो दिस इज द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आज जो हम एक न्यू टर्म डिस्कस करने वाले हैं वो है वेब सर्वर नाउ वॉट इज वेब सर्वर आप देखिए सबसे पहले वेब सर्वर समझने के पहले तो हम ये समझते हैं कि सर्वर क्या होता है ओके हम जिस जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया वर्ल्ड इंटरनेट पर डिपेंडेंट है क्लियर आपको पता है कि हम जिस लाइफ में जी रहे हैं हम डेली डेली जो नीड है हमारी वो किसके थ्रू फुलफिल होती है इंटरनेट पर डिपेंड करती है ओके आपको कुछ भी करना है आपको कोई फाइल सर्च करना है है ना या आपको कोई ऑडियो सुनना है या आपको कोई सॉन्ग सुनना है तो हम क्या करते हैं सिंपल या तो इंटरनेट पे से हम उस सॉन्ग को डाउनलोड कर लेते हैं या हम ऑनलाइन सुनते हैं क्लियर तो मोर द वर्क वी डिपेंड ऑन द इंटरनेट ज्यादा से ज्यादा हम इंटरनेट पर ही डिपेंड है अब इंटरनेट पे क्या होता है डेटा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास क्या है डेटा ही डेटा है ओके तो अब ये डेटा हम तक कौन पहुंचाता है ये डेटा कैसे सर्व होता है इस डेटा को कौन मैनेज करता है ये डेटा कहाँ सेव होता है कहाँ से हमें मिलता है ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि कहाँ से हमें ये डेटा मिलता है इंटरनेट पे कौन इसको सर्व करता है ऐसे कौन से बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम होंगे जहाँ ये डेटा सेव हुआ होता होगा क्योंकि आप या हम अकेले तो नहीं है जो इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं पूरी दुनिया भर के लोग क्या कर रहे हैं इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं अब इंटरनेट पे डब्ल्यू पे इतना सारा डेटा कहाँ से आता है कौन सर्व करता है तो वो कौन सर्व करता है द वन एंड ओनली सर्वर सर्वर वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जिनके पास बड़े बड़े डेटा होते हैं हम सोच भी नहीं सकते उन डेटा में वो पूरी दुनिया का डेटा सेव करते हैं क्लियर तो सर्वर वो पार्ट होता है इंटरनेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है बिना सर्वर इंटरनेट वर्क नहीं करता है आपने सुना होगा बहुत सी बार कि सर्वर डाउन हो गया सर्वर फेल हो गया है ना सर्वर नहीं चल रहा है तो आप किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो कभी कभी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है इंटरनेट पे आपके जिसको आपको एक्सेस करना होता है और सर्वर के फ़ेल हो जाने से या सर्वर के बंद हो जाने से या सर्वर के होल्ड हो जाने से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो तो आपको समझ में आया कि सर्वर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेट में तो जितना भी डेटा होता है जो भी आपके डेली नीड्स की वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप एक्सेस करते हो वो सब कहाँ सेव होती हैं सर्वर पर सेव होती हैं क्लियर तो अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सर्वर क्या होता है अब सर्वर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं दे आर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स है ना जैसे फाइल सर्वर हो गया जो फाइल्स को मैनेज करता है प्रिंट सर्वर हो गया जो इंटरनेट पे कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ जो प्रिंटर वर्क कर रहा है उसको मैनेज करता है है ना मेल सर्वर हो गया आप मेल करते हो ईमेल सेंड करते हो ईमेल चेक करते हो तो मेल सर्वर क्या करता है ईमेल्स e को मैनेज करता है है ना ऐसे ही होता है वेब सर्वर वेब सर्वर क्या करता है वेब सर्वर का क्या का काम है जिसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ओके तो वेब सर्वर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो वेबसाइट्स आप एक्सेस करते हो जिन वेबसाइट्स पे आप वर्क करते हो है ना इंटरनेट पे आपको सॉन्ग सुनना है तो आपने म्यूजिक वाला कोई सा वेबसाइट एक्सेस किया है आपको अपने स्कूल का कुछ वर्क देखना है होमवर्क देखना है कि स्कूल से क्या होमवर्क मिला है वो भी ऑनलाइन मिल रहा है अभी तो लॉकडाउन की वजह से तो आप अपने स्कूल का वेबसाइट एक्सेस करते हो है ना तो ये सारी वेबसाइट्स जो है ये कहाँ सेव होती है वेब सर्वर पर सेव होती है कहा से वेब सर्वर पे सेव होती है, है ना तो वेब सर्वर का बेसिक वर्क ये होता है कि वेबसाइट्स को सेव करके रखना और वेबसाइट से जब कोई रिक्वेस्ट आती है उस तो ये मेन काम होता है वेब सर्वर का अब इसको हम डिस्कस करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ स्टोर्स वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट वेब सर्वर क्या करता है वेबसाइट्स को इंटरनेट पर स्टोर करता है एंड डिलीवर्स वेब पेजेस टू व्यूवर्स अपॉन द रिक्वेस्ट जब व्यूवर्स या कोई क्लाइंट या कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए तो वेब सर्वर उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो वेब पेजेस की जरूरत होती है उसको डिलीवर करता है यूजर तक क्लियर होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी नाउ अ वेब सर्वर इज कॉल्ड अ सर्वर वेब सर्वर को हम क्या कहते हैं डब्ल्यू 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 सर्वर अब देखिए आपके माइंड में एक ये भी बात आ रही होगी कि सर्वर जो होता है वो क्या होता है कि डेटा को स्टोर करता है हमारे घर में भी कंप्यूटर सिस्टम होता है हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रैम होती है हार्ड डिस्क होती है हम हमारी पर्सनल फाइल्स को या कुछ म्यूजिक फाइल्स होती है या जो भी डेटा होते हैं हम सेव करके रखते हैं तो क्या हमारा सिस्टम भी सर्वर हो सकता है कभी आपने सोचा है यस yes. हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी एक सर्वर की तरह ही ट्रीट होता है बट उसे हम क्या बोलते हैं लोकल सर्वर बोलते हैं क्यों क्योंकि उसमें जो डेटा होता है सिर्फ उसको आप ही एक्सेस कर सकते हो ओके पब्लिकली या इंटरनेट पे हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जिस डेटा को जिस वेबसाइट को जिस एप्लीकेशन को जिस सॉफ्टवेयर को आप इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हो वो कहां सेव होता है वेब सर्वर के पास सेव होता है ओके तो होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वेब सर्वर क्या होता है है ना अब वेब सर्वर का सेकेंड पॉइंट है वेब सर्वर आर जनरली प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर अभी तक हम बोलते आ रहे हैं कि कंप्यूटर वेब सर्वर है कंप्यूटर वेब सर्वर है बट इट इज नॉट लाइक दैट वेब सर्वर क्या होता है प्रोग्राम्स होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी प्रोग्रामिंग होती है कोडिंग होती है फिर सर्वर बनते हैं दैट वेट फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब ब्राउजर अब वेबसाइट आप कहाँ रन करते हो कोई वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर पे ही रन करते हो ना इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया मोजिला हो गया ओपेरा हो गया ओके वहाँ पे आप क्या करते हो वेबसाइट का नाम लिखते हो तो जब आप वेबसाइट का नाम लिखते हो जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करते हो तो वो वेब ब्राउजर से कहाँ पर जाती है वेब सर्वर के पास जाता है वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और यूजर को ब्राउजर पर उसके रिकॉर्डिंग रिलेटेड डेटा को शो करता है सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेब सर्वर अब कुछ वेब सर्वर के एग्जाम्पल्स हैं जैसे अपाचे आई आई एस एन जी आई एन एक्स जी डब्ल्यू एस नेट साइट एक्सेट्रा सो ये कुछ इंपॉर्टेंट से वेब सर्वर के नाम हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए आपने पहले भी कभी सुने होंगे सो so, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वेब सर्वर क्या होता है इस डायग्राम में आपको कुछ वेब सर्वर का प्रोसेस समझ में आएगा होप यहाँ पर कुछ क्लाइंट सिस्टम है ये मैथ का क्लाइंट सिस्टम है ये पी डी ए डिवाइस है एक लैपटॉप है और ये एक डेस्कटॉप पीसी है ओके ये सारे डिवाइसेस कहा कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है क्लियर हम इन सारे डिवाइसेस को क्या नाम से जानते हैं क्लाइंट के नाम से जानते हैं ओके क्योंकि ये सारे कंप्यूटर सिस्टम एज ए क्लाइंट इंटरनेट से कनेक्टेड है इट मींस ये सारे सिस्टम कुछ ना कुछ डेटा इंटरनेट से चाहते हैं कुछ वेबसाइट को एक्सेस करते हैं जो कहां सेव है इंटरनेट पर इस वेब सर्वर पर सेव है हम्म अब इंटरनेट किससे कनेक्टेड है वेब सर्वर से कनेक्टेड है तो इस वेब सर्वर के पास में वो सारा डाटा सेव है दुनिया भर का जो इन क्लाइंट्स को जरूरत होती है अब वेब सर्वर के पास में भी कहाँ सेव होता है डेटा बेस में सेव होता है ये एक डेटा बेस होता है ऐसे बहुत बड़े बड़े डेटा बेस होते हैं जहाँ पे सर्वर के पास में पूरे डेटा को सेव करके रखता है तो होता क्या है क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करता है तो वो इंटरनेट के पास जाती है इंटरनेट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है सर्वर उस डिटेल को डेटाबेस में सर्च करता है सर्च करके उस रिक्वेस्ट को वापस सर्वर के पास भेजता है सर्वर से वो इंटरनेट पे आती है और इंटरनेट से फिर वो वापस कहाँ जाती है क्लाइंट के पास पहुँचती है तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इंटरनेट इंटरनेट में वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इस तरीके से होता है ओके okay, हमको ये जब आप सपोज़ गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपको विदिन सारी चीजें दिख जाती है है ना पर ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपके इंटरनेट बेसिक्स का नेक्स्ट टॉपिक वेब सर्वर में अब क्या डिफरेंस है अभी जैसा हमने देखा सर्वर क्या होता है सर्वर का एक टाइप होता है वेब सर्वर सर्वर का एक टाइप है वेब सर्वर अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम वो डिस्कस करते हैं अ सर्वर इज अ कंप्यूटर और अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क दैट मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज सर्वर किसको मैनेज करता है नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करता है नेटवर्क रिसोर्सेज को आप समझते हैं और रिसोर्सेस क्या होते हैं जैसे प्रिंटर हो गया स्कैनर हो गया या कोई और कंप्यूटर डिवाइस भी हो सकता है या कोई और डिवाइस हो सकता है जिसको लाइक like हम बोल सकते हैं कि कोई स्टोरेज डिवाइस हो सकता है कोई ज़्यादा कैपेसिटी वाली रैम भी हो सकती है हार्ड डिस्क भी हो सकती है है ना तो कंप्यूटर के जो डिवाइस होते हैं अलग अलग उन्हीं को हम रिसोर्सेज कहते हैं ओके तो सर्वर क्या करता है बेसिकली इन सारे रिसोर्सेज को नेटवर्क में मैनेज करता है

सर्व करता है रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है उन रिसोर्सेज तक ऑन द नेटवर्क सच इज फॉर शेयरिंग अ रिसोर्स लाइक प्रिंटर और शेयरिंग स्टोरेज है ना स्टोरेज मतलब कोई सा भी बैकअप डिवाइस हो सकता है हाई कैपेसिटी वाला रैम हो सकता है या फिर हार्ड डिस्क हो सकती है ओके okay? तो यहाँ पर सर्वर क्या करता है नेटवर्क में रिसोर्सेज को मैनेज करता है शेयर करता है ये उसका काम होता है क्लियर अब कितने टाइप के सर्वर होते हैं जैसा मैंने अभी पहले भी बताया है देर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स सच एज फाइल सर्वर मेल सर्वर और वेब सर्वर ओके तो वेब सर्वर क्या है सर्वर का ही एक पार्ट है अब वेब सर्वर का, का काम क्या होता है वेब सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट डिलीवर और सर्व्स ऑफ वेब पेजेस वेबसाइट में जो अलग-अलग वेब पेजेस होते हैं उन वेब पेजेस को यूजर तक सर्व करने का काम होता है वेब सर्वर का इन टेक्निकल टर्म्स अगर हम टेक्निकल टर्म्स पर बात करते हैं तो वी कैन से दैट दे हैंडल रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट अब HTTP request क्या होती है है ना आप सभी ने वेबसाइट का नाम देखा है सपोज आप अपनी स्कूल की वेबसाइट ले लो या मैग्नेट ड्रिंक्स की वेबसाइट की बात करते हैं यहाँ पे हमने एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है एच टी टी पी कॉल दो स्लैश लगाए हैं डब्ल्यू 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 डॉट एडो डॉट कॉम स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अब इसको आप ध्यान से समझना ये एक वेबसाइट का नाम है ओके जिसमें www क्या है वेब सर्वर है और ये क्या है डोमेन नेम है ओके मतलब ये वेबसाइट का नाम है ये कहाँ पर सेव है सर्वर पर सेव है www क्या है वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्वर है है ना वेब सर्वर है जहाँ पर ये वेबसाइट सेव है स्टोर है अब इस वेबसाइट के हमें किस पार्ट को एक्सेस करना है इस वेब पेज को एक्सेस करना है जिसका नाम क्या है इंडेक्स. Index index.html है index.html क्या है इस वेबसाइट का एक वेब पेज है इंडेक्स नाम का पेज है तो हमें इसे एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस करने के लिए सर्वर पे से जो प्रोटोकॉल वर्क करता है है ना वो प्रोटोकॉल होता है http h फॉर हाइपर t फॉर टेक्स्ट t फॉर ट्रांसफर p फॉर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये जो टेक्स्ट है जो वेबसाइट का नाम है वो एक हाइपर टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन है मतलब इस टेक्स्ट में बहुत सारी डिटेल्स है बहुत सारा डेटा है जो हिडन है जो कहाँ सेव है सर्वर पर सेव है तो एस प्रोटोकॉल क्या करेगा सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और इस पर्टिकुलर वेबसाइट के इस वेब पेज को सर्च करके यूजर के सिस्टम पर शो करेगा तो यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि जो वेब सर्वर है वो किसको हैंडल करता है http प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है ओके दिस सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर हुज डोमेन नेम इज adipeter.com द सर्वर देन फेचेस द पेज नेमड लाइक index.html एंड सेंड इट टू द योर ब्राउजर है ना index.html को वेब ब्राउजर पे सर्च करेगा सर्च करके आपको उसकी रिक्वेस्ट को अपने ब्राउजर पे शो कर देगा कौन http प्रोटोकॉल तो बेसिक जो काम होता है वेब सर्वर से डेटा को फैच करने का और ब्राउजर पे शो करने का वो काम होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल का तो होप आपको वेब सर्वर और सर्वर में डिफरेंस क्लियर होगा सर्वर जो होता है क्या होता है सारे वर्क को मैनेज करता है नेटवर्क में चाहे वो रिसोर्स हो या कोई सॉफ्टवेयर हो बट वेब सर्वर क्या करता है वेबसाइट को स्टोर करता है और यूजर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है क्लियर सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करेंगे इनकी सर्विसेज के बारे में कि वेब सर्वर की क्या क्या सर्विसेज होती हैं और बेसिक सर्वर की क्या क्या सर्विसेज होती हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर कि सर्वर कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है सर्वर की पहली सर्विस जो होती है वो है इक्विपमेंट रिसोर्स शेयरिंग ओके इक्विपमेंट रिसोर्स शेयरिंग अब इक्विपमेंट रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है रिसोर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया हार्ड डिस्क हो गया अपना प्रिंटर है स्कैनर है या कोई कंप्यूटर डिवाइस है जो नेटवर्क में कनेक्ट है तो सर्वर क्या करेगा उस रिसोर्स की शेयरिंग को मैनेज करेगा कैसे हाई क्वालिटी प्रिंटर एंड फोटो कॉपियर्स आर ऑफन डिजाइन टू नेटवर्क शेयरिंग रिक्वेस्ट हाई क्वालिटी के फोटो कॉपियर्स होते हैं या जो प्रिंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं नेटवर्क में कनेक्ट होने वाले सारे कंप्यूटर्स को अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जिस कंप्यूटर को प्रिंट निकालना है वो कंप्यूटर प्रिंटर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा प्रिंट सर्वर उसके रिक्वेस्ट को एडजस्ट करेगा और प्रिंटिंग कमांड के थ्रू वो पेज प्रिंट होकर आ जाएगा तो सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं होता है ना बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं तो सबकी प्रिंटिंग टास्क को मैनेज करने के लिए क्या होता है एक प्रिंट सर्वर होता है ओके ऐसे अलग अलग ई को मैनेज करने के लिए ई सर्वर होता है तो सर्वर का, का काम क्या होता है रिसोर्स की शेयरिंग को मैनेज करना दूसरा वर्क क्या होता है सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग फॉर डेटा शेयरिंग आप देखो इसको ध्यान से समझना कि सपोज एक सर्वर सिस्टम है हमारे पास ओके okay? ये हमारे पास में एक सर्वर सिस्टम है क्लियर और यहाँ पे कुछ क्लाइंट सिस्टम्स हैं है ना अब क्या होता है सर्वर सिस्टम के पास एक फाइल सेव है अब इस फाइल को एक्सेस करना है है ना इन तीनों सिस्टम को इस फाइल को एक्सेस करना है जो सर्वर से कनेक्टेड है तो कैसे एक्सेस करेंगे ये तीनों जब नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे तो सर्वर से उस फाइल को ईजिली एक्सेस कर सकेंगे ओके okay? क्योंकि सर्वर क्या हो गया यहाँ पे एक सिस्टम हो गया जिसके पास में पूरा डेटा सेव है फाइल सेव है तो ये तीनों कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्टेड है तो सर्वर से उस फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं तो सेकंड जो सर्विस है वो है सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग फॉर डेटा शेयरिंग सर्व सर्वर्स हेल्प द यूजर सेव फाइल्स टू देयर होम डायरेक्टरीज ऑन द फाइल सर्वर वर्कर्स कैन लोड their documents ऑन एनी नेटवर्क कंप्यूटर है ना किसी भी कंप्यूटर से आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो सेकेंड जो है सर्वर का सर्विस है वो है सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग अब जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था आपको कि एक सर्वर सिस्टम होता है सर्वर से सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं जैसे इस फिगर में भी शो हो रहा है तो यहाँ पे अगर आपके सर्वर सिस्टम पर वायरस वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है एंटी वायरस इंस्टॉल है है ना तो एंटी वायरस से क्या होता है कि हम वायरस से बच सकते हैं सिंपल तो अगर एंटी वायरस इंस्टॉल है तो वो बाकी के जो नेटवर्क के कनेक्टेड सिस्टम्स हैं वो डायरेक्टली उस एंटी वायरस सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं ओके तो यहाँ पे यही पढ़ना है हमें कि सेंट्रलाइज वायरस स्कैनिंग भी होती है सर्वर का एक ये मेन इंपॉर्टेंट वर्क होता है मोस्ट फाइल सर्वर्स रन वायरस स्कैनर कॉन्स्टेंटली बहुत से ऐसे फाइल सर्वर्स होते हैं जो वायरस को भी कॉन्स्टेंटली स्कैन करने में हेल्प करते हैं ताकि सारे सिस्टम उनके एंटी वो बोल सकते हैं कि हम वायरस स्कैंड हो है ना एंटीवायरस उनके साथ में हो टू डिटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ वायरसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय यूजर और एनी कंप्यूटर फोर्थ इज सेंट्रलाइज बैकअप अब देखिए बैकअप्स क्या होता है बैकअप आप सभी को पता है कि जब हमें ये डर होता है कि कहीं हमारे सिस्टम से डेटा हमारा लॉस्ट ना हो जाए है ना तो हम क्या करते हैं कि बैकअप लेके रखते हैं कुछ बच्चे करते भी होंगे कि कुछ आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा कुछ आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वेब सीरीज होंगी या कुछ सॉन्ग्स होंगे या कुछ स्कूल के प्रोजेक्ट्स होंगे तो हम उसको पेन ड्राइव में लेके रख लेते हैं या हम फर्दर किसी और ड्राइव में सेव कर देते हैं है ना तो इसे बैकअप बोलते हैं तो ऐसे ही फाइल सर्वर्स में भी क्या होता है जब इंटरनेट पे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट होते हैं तो फाइल सर्वर भी अपने पास बैकअप के लिए स्टोरेज डिवाइस रखता है और उसमें सारे डेटा का बैकअप लेके रखता है ताकि इन केस कभी नेटवर्क फेल हो तो नेटवर्क अगर फेल होगा तो क्या होगा वो डेटा को रिकवर कर सकेंगे ओके तो यहाँ पर सर्वर्स के पास क्या होता है एक सेंट्रलाइज बैकअप सिस्टम भी होता है हाई कैपेसिटी टैप टेप यानी स्टोरेज डिवाइस टेप डिवाइसेस इन द फाइल सर्वर क्या क्या करते करते हैं हैं? हैं सर्वर? है? पूरे दिन भर के डेटा को लेके रखते हैं. ताकि next day कभी in case कुछ प्रॉब्लम होती है सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है तो वो उस पूरे डेटा को रिकवर कर सके केस ऑफ सिस्टम फेलियर और लॉस्ट ऑफ वर्क कैन बी रिकवर्ड क्विकली एंड सेफली तो ये थी सर्वर की कुछ सर्विसेज जो इसका यूज करते हैं हम अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में वेब सर्वर की सर्विसेज वेब सर्वर हमें कौन कौन सी वेबसाइट okay. को एक्सेस कर सकते है. तो वाजिब सी बात है कि वेब सर्वर भी क्या करेगा उनसे ही रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा तो पहली जो सर्विस है उसकी वो है सर्विस वेब सर्विंग वेब पेजेस वेब सर्वर क्या करता है वेब पेजेस को सर्व करता है यूजर्स तक द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब सर्वर इज टू डिलीवर वेब पेजेस क्या है सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन वेब सर्वर का कि जो भी यूजर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है और वो किसी वेबसाइट के किसी पेज को एक्सेस करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्लाइंट तक पहुंचाना ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट यूजिंग कौन से प्रोटोकॉल का यूज करके ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करके एस प्रोटोकॉल का यूज करके तो ये फर्स्ट जो है सर्विस थी मेन इंपॉर्टेंट सर्विस थी वेब सर्वर की नेक्स्ट जो सर्विस होती है वेब सर्वर की वो होती है रनिंग गेटवे प्रोग्राम्स एंड रिटर्निंग आउटपुट है ना जो कुछ गेटवे प्रोग्राम्स होते हैं उनको रन करना और उसके थ्रू आउटपुट प्रोवाइड करना अब ये कैसे इन ऑर्डर टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट रिसीव्ड द वेब सर्वर नीड टू रन स्पेशल प्रोग्राम्स कॉल्ड सी जी आई प्रोग्राम्स विच हेल्प them fetch द रिक्वायर्ड आउटपुट as पर द रिक्वेस्ट मेड बाय द क्लाइंट कभी कभी ऐसा होता है कि रिक्वेस्ट सही टाइम पे नहीं आ पाती है, है ना कुछ ऐसे स्पेशल सॉफ्टवेयर की या प्रोग्राम्स की नीड होती है जिसकी वजह से यूज क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है तो सर्वर एक स्पेशल प्रोग्राम का यूज़ करते हैं उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए जिसे हम बोलते हैं सी प्रोग्राम्स ओके तो यह भी वैप सर्वर का एक स्पेशल सर्विस होता है जिसे हम बोलते हैं रनिंग गेट प्रोग्राम्स ओके

तो उस पूरे वर्क को इम्प्लीमेंट करना उस पूरे वर्क को कंट्रोल करने का काम होता है वेब सर्वर का ओके तो वेब सर्वर यहां पे ये देखता है कि कौन सा वेब क्लाइंट है या कौन सा यूजर वेब सर्वर से किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है उसे वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट उसकी कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है ये सारी चीजें कौन करता है वेब सर्वर का काम होता है लास्ट जो सर्विस है वेब सर्वर की वो होती है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑल एक्सेस अब देखिए बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो क्या होती हैं जहाँ पर आपको यूजर को लॉगिन करना पड़ता है या फिर अपना पासवर्ड प्रोटेक्शन होती है आपको सभी को पता है आप अपने स्कूल की वेबसाइट पर भी जाते हो तो डायरेक्टली तो नहीं जाते हो ना आप अगर कुछ असाइनमेंट देखना चाहते हो या आप कोई फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हो कोई प्रोजेक्ट देखना चाहते हो तो क्या होता है आपको एक यूजर आई और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है ओके तो इसी तरीके से वेबसाइट्स पे क्या होता है बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ ऑथेंटिकेशन की नीड होती है है ना तो इसके लिए जो वेब सर्वर है वो इसको भी एक्सेस करता है इसको भी मॉनिटर करता है कि कोई अनऑथेंटिकेटेड यूजर जिसके पास में राइट नहीं है वो वेबसाइट को एक्सेस ना कर सके द वेब सर्वर ऑल्सो इंश्योर दैट ओनली ऑथेंटिकेटेड एक्सेस टेक्स प्लेस है ना वेब सर्वर क्या मॉनिटर करता है क्या देखता है कि केवल ऑथेंटिकेटेड यूजर ही किसको एक्सेस करें हमारी वेबसाइट को एक्सेस करे है ना जिसको परमिशन है जिसको परमिशन नहीं है वो एक्सेस ना करे इसके लिए वो क्या करते हैं लॉगिंग वाला लॉगिंग वाला प्रोग्राम यूज करते हैं जिसमें यूजर नेम पासवर्ड देते हैं पहले हम लॉग करते हैं वेबसाइट में फिर हम यूज कर सकते हैं ओके लास्ट इज़ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है हम हमारे सर्वर भी डिज़ाइन कर सकते हैं हम प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं जब आप जैसे आप अभी टेंथ में हो आपको आगे चल के कुछ प्रोग्रामिंग सीखनी होगी लाइक अभी हम टेंथ की बात करते हैं आप एच टी एम एल प्रोग्रामिंग सीखोगे स्क्रैच और पाइथन की बात करोगे तो वहाँ हम कुछ कोडिंग करते हैं तो ऐसे सर्वर भी बनाने के लिए या सर्वर साइड पर भी ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग होती है जो कुछ लैंग्वेजेस के थ्रू हम सीखते हैं जैसे उसका नाम है पी एच पी ए एस पी ना तो पी एच पी एस पी ऐसी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनके थ्रू हम सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग सीखते हैं कि सर्वर कैसे बनता है सर्वर में कैसे डेटा सेव होता है वो कैसे एक्चुअल वर्क करता है वो हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू सीखते हैं तो सर्वर वेब सर्वर हमें क्या करता है ऐसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी प्रोवाइड करता है आपको आज बेसिकली वेब सर्वर और सर्वर को बहुत डिटेल में समझाया है होपफुल आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि सर्वर क्या होता है और वेब सर्वर क्या होता है इनकी सर्विस क्या होती है इनके बीच में डिफरेंस क्या है हमने सिर्फ दो देखे थे आप को भी में लिख सकते हो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो. तो आपको सभी को सर्वर अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि सर्वर का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल होता है इंटरनेट में है ना जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि बिना सर्वर के आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हो क्लियर सो so, आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी नेक्स्ट जो वीडियो है वो इस सर्वर से ही लिंक्ड पार्ट है हमारा जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट के बारे में आज हम जो आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो है वेबसाइट क्लियर सो वेबसाइट को डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं वेबसाइट की वेबसाइट क्या होता है कैसे डेवलप हुआ किसने डेवलप किया फर्स्ट वेबसाइट कौन सी थी ओके सो वेब सर्वर क्या होता है लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वेब सर्वर एक सर्वर सिस्टम होता है है ना या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर प्रोटोकॉल्स होते हैं जहां पर वेबसाइट्स सेव होती हैं वेबसाइट्स क्या होती हैं स्टोर होती हैं ओके अब वेबसाइट्स स्टोर होती हैं इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वेब पेजेस का कलेक्शन होती है वेबसाइट्स तो वो सेव होती है सो अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेबसाइट क्या होती है वेब पेजेस का कलेक्शन होती है व्हिच आर डिजिटल फाइल

तो 1989 में टीम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू 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 डेवलप किया फाइन अब 1980 90 में दो साल बाद एक साल बाद 1990 में क्या हुआ टीम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू से रिगार्डिंग कुछ टर्म्स वेबसाइट से रिलेटेड जो टर्म्स है टेक्निकल टर्म्स है जैसे एच प्रोटोकॉल है ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यू ये कुछ टर्म्स है इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी से जो हम डिस्कस कर चुके हैं इनको डेवलप किया 1990 में अब 1991 में उन्होंने फर्स्ट वेबसाइट बनाई थी फर्स्ट वेबसाइट जिसका नाम था एच टी टी पी कॉलन डबल स्लैश इन्फो डॉट सर एस सी आर एन डॉट सी एच सो दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट क्रिएटेड बाय टीम टीमर्स ली इन 1991 अब आप सोच रहे होंगे सर्न क्या है तो टीम ली जिस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सन जो एक साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी तो उन्होंने इस और, इस और वेबसाइट को डेवलप किया था जिसमें सारी वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में डिटेल थी उनका डिस्क्रिप्शन था जो क्या करता था फर्दर डब्ल्यू को एक्सप्लोर कर रहा था क्लियर मतलब एक ऐसा वेब सर्वर था जिसमें उन्होंने ये ये वेबसाइट वेबसाइट डिजाइन किया था और ये इन सारी टर्म्स को तो अब जैसे मॉडर्न इंटरनेट बना बाद 1999 में मॉडर्न इंटरनेट आया तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू 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 कॉन्स्टोरियम बना डब्ल्यू डब्ल्यू सी कॉन्स्टोरियम वो भी किसने डेवलप किया टीम ली ने और उसमें उन्होंने वो सारे फीचर्स ऐड किए वो सारी आ, हम बोल सकते हैं फैसिलिटीज को ऐड किया जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं जनरल पीपल पब्लिक

तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि एस में जो कोडिंग होती है जो प्रोग्रामिंग होती है वो टैग्स के फॉर्म में कुछ एलिमेंट के फॉर्म में होती है ओके okay? तो वेब पेजेस क्या हो गए Normal pages हो गए जो आपकी बुक में हम एक बुक से लेते पेज में हिंदी का लिखा, एक में संस्कृत का लिखा हुआ है में और किसी और पेज में आई का लिखा है किसी में कंप्यूटर का लिखा है ऐसा नहीं होता है सारे पेज में रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है एक के बाद एक इंटरलिंक्ड पेजेस होते हैं वो, और वो जिस बुक के अंदर आप पढ़ रहे हो जिस सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ रहे हो वो कहलाती है वेबसाइट क्लियर तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल था सो so, इसी तरीके से वेबसाइट जब क्रिएट होती है तो वो वेबसाइट वेबसाइटेस web का कलेक्शन होती है और वो सारे पेजेस आपस में लिंक्ड होते हैं इंटरलिंक्ड होते हैं क्लियर फॉर अ वेबसाइट टू बी अवेलेबल टू एवरी वन इन वर्ल्ड एट ऑल टाइम्स इट मस्ट बी स्टोर्ड ऑन होस्टेड ऑन कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट अब वेबसाइट को आप कहीं भी किधर भी फोन पे लैपटॉप पे कंप्यूटर सिस्टम में जहां कहीं भी हो एक्सेस कर सकते हो तो वो सभी के लिए अवेलेबल होती है ओके अब अब पे फर्स्ट वाई लिखा हुआ है 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 वो वो जहां स्टोर होती सिस्टम क्या क्या कहलाता वेब वेब सर्वर सर्वर तो उस सर्वर से हम क्या करते हैं वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और जो वेबसाइट है वो कनेक्टेड होती है इंटरनेट से कहीं ना कहीं आपके फोन में या आपके लैपटॉप में मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तभी आप उस वेबसाइट को वेब सर्वर से एक्सेस कर सकते हो थर्ड इज डिस्क किया टूगेदर ओके वेब पेजेस जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं लिंक्ड होते हैं ओके थ्रू हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स अब हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स क्या Internet होता है इंटरनेट पे जब भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होता है तो वो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है आप कुछ लिंक होती है उसकी जिसके थ्रू हम उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं सपोज आप मैग्नेट ब्रिंस को एक्सेस करते हो या अपने स्कूल की वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आप क्या करते हो कुछ टेक्स्ट लिखते हो कुछ यू लिखते हो सपोज आप लिखते हो डब्ल्यू तो आपने एक वर्ड लिखा है या आपने एक याल लिखा है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो मैग्नेट ब्रिंस के सारे सब्जेक्ट की स्टडी कर पा रहे हो सारे पेजेस को एक्सेस कर पा रहे हो तो यहाँ पे जो वेब पेजेस होते हैं वो लिंक्ड होते हैं किसके थ्रू हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स के थ्रू ओके हाइपर टेक्स को सिंपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज कोई कुछ आपने टेक्स लिखा है और उसके नीचे जब अंडरलाइन होती है तो वो कहलाता है Hyperlink. मतलब उसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट क्या है हिडन है जब आप उस पर क्लिक करोगे तब वो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा ओके द साइट माइट ऑल्सो कंटेन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स सच एज इमेजेस वीडियोज एंड अदर डिजिटल एसेट्स अब वेबसाइट में सिर्फ टैक्स तो होता नहीं है कि सिर्फ आपको टेक्स्ट टेक्सुअल टेक्चुअल डॉक्यूमेंट ही दिख रहे हैं नहीं हर वेबसाइट में इमेजेस होती हैं कुछ वीडियोस होती हैं कुछ ग्राफिक्स होते हैं जिससे हमारी वेबसाइट क्या होती है बहुत इफेक्टिव और अट्रैक्टिव होती है जिससे हमें इमेजेस की फॉर्म में और ज़्यादा अच्छे से कंटेंट समझ में आता है कि एक्चुअल इस वेबसाइट का क्या यूज है क्यों बनाई है है ना इमेज से हमें बहुत अच्छे से क्लियर होता है तो वेबसाइट में जो कंटेंट होता है वो जर, जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट हो उसमें क्या हो सकते हैं इमेजेस भी हो सकते हैं कुछ ग्राफिक्स भी हो सकते हैं कुछ ऑडियोस वीडियोस किसी भी तरीके का डेटा वेबसाइट में हो सकता है ओके नेक्स्ट इज विथ इंटरनेट इन वेडिंग इन एवरी स्फीयर वी सी वेबसाइट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉसेस एंड पर्पस आप देख रहे हो कि जैसे-जैसे इंटरनेट बढ़ता जा रहा है जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती जा रही है तो हम इस दुनिया में हजारों में लाखों में करोड़ों में वेबसाइट्स भी बढ़ती जा रही हैं ओके आप देख सकते हो कि आज हर चीज से रिलेटेड चाहे वो स्पोर्ट्स हो एग्रीकल्चर हो बिजनेस हो कंप्यूटर हो एजुकेशन हो कोई सा भी फील्ड हो आपको हर फील्ड से रिलेटेड वेबसाइट इंटरनेट पे मिले मिलती है है ना तो हम बोल सकते हैं कि वैन विथ इंटरनेट इन इन एवरी स्फेयर हर इस फेयर में जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है तो उसी तरीके से आपको हर तरीके की वेबसाइट भी इंटरनेट पर अवेलेबल मिलती है ओके होती है

एक डिजिटल इन्वायरमेंट है ओके okay? आप अपनी बुक पढ़ रहे हो तो वो आपके पास में फिजिकल है है ना आप देख सकते हो पढ़ सकते हो बट वेबसाइट्स क्या है डिजिटल है डिजिटल इन द सेंस जिसको आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फोन्स में एक्सेस कर सकते हो ओके okay? जो क्या कैपेबल है इन्फॉर्मेशन को या सोल्यूशन को डिलीवर करने में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जिस भी रिगार्डिंग चाहिए बिजनेस से रिलेटेड चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए हॉस्पिटल से रिलेटेड चाहिए या किसी भी फील्ड से रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम डिजिटली फॉर्म में हमारे कंप्यूटर लैपटॉप से एक्सेस

क्स्ट इज एज यू नो दाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड होस्टेड ऑन वेब सर्वर अब ये वेबसाइट में जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं वो कहा होस्ट होते हैं वेब सर्वर पर होस्ट होना प्लेस होना अभी हम आगे पढ़ेंगे होस्टिंग क्या होती है होस्ट क्या होता है ओके okay? सिंपल अब अभी इतना समझ लीजिए कि होस्टेड का मतलब प्लेस्ड होना वेब सर्वर पर कहीं किसी जगह पर वेबसाइट प्लेस होती है सो देर आर समोनेट इसल फॉर मेकिंग वेबसाइट अब वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन-किन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है वो डिस्कस करने वाले हैं सो फर्स्ट डिस्कस दी कंपोनेंट्स आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वेबसाइट क्या होती है ओके सो वेबसाइट सिंपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है जो वेब सर्वर पर होस्ट होते हैं वेब सर्वर पर प्लेस्ड होते हैं अब वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन-किन कंपोनेंट्स की नीड होती है पहला कंपोनेंट है वेब होस्ट सिंपल होस्ट का मतलब होता है कि वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे वेबसाइट सेव होती है स्टोर होती है तो वेबसाइट को स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है हमें वेब सर्वर पर कुछ प्लेस को परचेज करना पड़ता है कुछ प्लेस को खरीदना पड़ता है वेबसाइट को प्लेस करने के लिए ताकि जनरल पब्लिक उसको क्या कर सके वेबसाइट को एक्सेस कर सके तो इसके लिए हमें जब प्लेस खरीदनी पड़ती है वेब सर्वर पर तो उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं वेब होस्ट या होस्टिंग ओके सो होस्टिंग इज इज वेयर अ वेबसाइट फिजिकली लोकेटेड समझ में आया

जब आपको कोई वेबसाइट देखनी है तो हम website, उसके यू के थ्रू यू आर इट मीन एड्रेस ऑफ वेबसाइट उसके थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं अब ये नाम आप ये जो एड्रेस है ये कहां लिखते हैं हम वेब ब्राउजर पे ओके वेब ब्राउजर सभी को पता है सबके सिस्टम पे होता है गूगल क्रोम, मोज़िला नेट नेविगेटर इंटरनेट एक्सप्लोरर इसे भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं वेब ब्राउजर ही हमें पढ़ना है ओके सो so अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि वेब ब्राउजर क्या है गूगल क्रोम नेट नेविगेटर एंड इंटरनेट एक्सप्लोर ओके तो so इनके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं और एड्रेस से फिर हम उस वेबसाइट के पेजेस को एक्सेस करते हैं थर्ड इज होम पेज अब होम पेज क्या होता है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हमें वेब पेजेस के साथ में उसको डिजाइन करना होता है वेब पेजेस की जरूरत होती है अब वेब पेजेस में जो फर्स्ट पेज होता है वो कहलाता है होम पेज अब इसका एक एग्जाम्पल सपोज आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो आपकी क्लास में सपोज टेंथ क्लास में आपको किसी टीचर ने प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि आप किसी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाओ सपोज आपको अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन पे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप सबसे पहला जो पेज लिखते हो वो क्या होता है फ्रंट पेज होता है अब वो पेज जितना सुंदर होगा जितना अट्रैक्टिव होगा जितना अच्छा आपने उसमें लिखा होगा कितनी अच्छी गुड हैंडराइटिंग होगी जो आपने उसमें इमेज डाली होगी उससे ही पता चलेगा कि अंदर जो प्रोजेक्ट में पेजेस हैं वो कैसे होंगे वो किस बारे में होंगे क्या कंटेंट होगा राइट right? तो वैसे किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है जिसे आप ओपन करते हो वो फर्स्ट पेज कहलाता है होम पेज ओके ऐसा बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द

होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज इट सेट्स द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट देखो फर्स्ट पेज क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है 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 क्योंकि पूरी वेबसाइट का लुक क्या है, वो हमें फर्स्ट वेब पेज पेज के होम से ही मिलता एंड डायरेक्ट विवर्स टू गो द रेस्ट ऑफ द पेजेस ऑफ द वेबसाइट और डायरेक्ट करता है यूजर को कि बाकी के जो पेजेस होंगे उसमें क्या डेटा होगा क्या कंटेंट होगा किस बेसिस पर होगा ओके okay? कितने पेजेस होंगे तो ये सब हमें होम पेज से ही पता चलता है ओके okay? नेक्स्ट कंटेंट इज डिजाइन जितना इंपॉर्टेंट होम पेज होता है उतनी ही इंपॉर्टेंट डिजाइन होती है वेबसाइट वेबसाइट की अब को डिजाइन कैसे करते हैं क्यों करते हैं क्या मीनिंग है ये सब हम आगे पढ़ेंगे क्लियर अभी फिलहाल जो डिजाइन कंपोनेंट है उसको हम इन शॉर्ट समझते हैं कि क्या होता है ओवरऑल जो लुक होता है आपकी वेबसाइट का ओवरऑल लुक वो डिपेंड करता है डिजाइन पर ओके okay? सपोज जैसा मैंने अभी बताया कि आपको प्रोजेक्ट डिजाइन करना है आप पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ टेक्चुअल डेटा लिख दोगे बिना अंडरलाइन के बिना कोई दूसरा कलर यूज किए सिर्फ ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से पूरा प्रोजेक्ट लिख दिया तो क्या उसका डिजाइन अच्छा होगा नहीं है ना तो डिजाइन करने के लिए हमें किसी चीज को क्या करना पड़ता है थोड़ा सुंदर बनाना पड़ता है इट मीन्स कि आप थोड़ा ब्लैक पेन का यूज करोगे कुछ कलरफुल पिक्चर्स लगाओगे अपने प्रोजेक्ट में है ना आप अंडरलाइन करोगे आप लाइनिंग करोगे बॉर्डर बनाओगे प्रॉपर तो आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा सुंदर दिखेगा उसका डिजाइन कैसा होगा कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट होगा तो यहाँ पे वेबसाइट को भी डिजाइन करना इट मीन बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है इट इज ओवरऑल लुक ओवरऑल लुक डिसाइड करता है वेबसाइट का एंड फील द वेबसाइट हैज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ इंटीग्रेशन एलिमेंट लाइक नेविगेशन मेन्यूज ग्राफिक्स एंड लेआउट तो आपकी वेबसाइट में कितने मेन्यूज है क्या क्या ग्राफिक्स आपने यूज किए हुए हैं पूरा वेबसाइट का लेआउट कैसा है वो सब डिपेंड करता है डिजाइन कंपोनेंट पे तो कहीं ना कहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वेबसाइट कितनी ज्यादा अच्छी बनने वाली है कितना अच्छा उसका डिजाइन होने वाला है ये सब ओवरऑल डिपेंड करता है वेबसाइट का डिज़ाइन कंपोनेंट पे नेक्स्ट इज इज कंटेंट कंटेंट अब इट एन थिंग आप वेबसाइट में क्या लिख रहे हो किससे रिलेटेड है वो उसका कंटेंट होता है ऑल वेब पेजेस कंटेंट इन वेबसाइट टूगेदर मेकअप द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट वेबसाइट में जो आप लिख रहे हो जिस होम पेज पे आपने सारी चीजें मेंशन की है वही पूरा एज इट इज उसका कंटेंट होना चाहिए कहीं भी कंटेंट इंटरलिंक्ड नहीं होना मतलब अनलिंक्ड नहीं होना चाहिए सब सारे कंटेंट सारे पेजेस एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए तभी वेबसाइट क्या बनती है इफेक्टिव बनती है ओके लास्ट कंपोनेंट इज नेविगेशन स्ट्रक्चर नेविगेशन मतलब क्या होता है जब हम वेबसाइट के पेजेस को फर्दर गो थ्रू होते हैं या फर्दर रीड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेविगेशन The navigation structure of website is the order of pages. है ना इसमें सबसे पहले क्या आता है कंपोनेंट ऑर्डर कि जो पेजेस आपने लगाए अपनी वेबसाइट में वो एक सीक्वेंस में हो एक ऑर्डर में हो कलेक्शन ऑफ वॉट लिंक्स टू वॉट ये पता होना चाहिए आपको कि जो पेजेस हैं वो किससे क्या लिंक है पहले पेज से दूसरा पेज लिंक है या नहीं है ऐसा तो नहीं आपने टेंथ वाला नंबर का पेज पहले नंबर पे लगा दिया और पहला लगाया है लास्ट में है ना तो नेविगेशन स्ट्रक्चर आपका जो वेबसाइट के पेजेस हैं वो सब सही जगह पर सही ऑर्डर में प्लेस होने चाहिए ताकि कोई यूजर जब वेबसाइट को एक्सेस करे तो उसे सारी चीजें सिक्वेंशली सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिले ओके okay? तो so, ये तो कंपोनेंट थे जो हमने अभी डिस्कस किए कि वेबसाइट कि में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और कैसे हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं मतलब क्या क्या चीजें हमें माइंड में रखनी है जब हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं वेबसाइट क्या होता है नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वेबसाइट वर्सेस पोर्टल वेब पोर्टल अभी यहां एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई है जिसे हम बोलते हैं वेब पोर्टल अब देखिए वेब पोर्टल क्या है एक वेबसाइट का ही टाइप है बट ये एक बहुत एनहांस्ड पार्ट है वेबसाइट का ओके वेबसाइट सिंपल हम बात करते हैं आपको कुछ शॉपिंग करना है तो ऑनलाइन शॉपिंग एक वेबसाइट हो गई सपोज Amazon Flipkart क्लियर या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके स्कूल का जो वेबसाइट है वो भी एक वेबसाइट है ओके जिसमें सिर्फ आपके स्कूल से स्टूडेंट टीचर्स या असेसमेंट एक्टिविटीज जो भी हो रही उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है तो वो वेबसाइट होती है जो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है ना वॉट इज वेब पोर्टल वेब पोर्टल जो होता है ये होता है कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स जब आप अलग अलग वेबसाइट्स को ज्वाइन करते हो अलग अलग पर्पस की वेबसाइट्स को ज्वाइन करते हो और उसके लिए जब आप एक कॉमन वेबसाइट बनाते हो तो वो कहलाता है वेब पोर्टल और इसका बेस्ट जो है वो है है वो ऑनलाइन या आप गूगल कुछ भी सपोज कर लो है ना गूगल को ही सपोज कर लो क्योंकि सब फैमिलियर है उससे गूगल में आप किसी भी तरीके का किसी भी टाइप का कोई सा भी डेटा सर्च कर सकते हो ऑडियो वीडियो वेब सीरीज म्यूजिक है ना या आप कुछ एजुकेशन रिगार्डिंग कुछ भी चीजें आप सर्च कर सकते हो एक्सेस कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो ओके okay?

A web portal is a launchpad of host web-based services such as email, shopping, gaming, news, weather, and so on. Whereas a website is concerned with providing information about a company, cause only. है ना? जैसा मैंने अभी बताया कि website is a collection of different different purposes of websites ना? तो यहाँ पे वही बताया है कि email, shopping, gaming, news, weather, and so on. इससे regarding जब आप कोई website बनाते हो जिसमें ये सारी चीजें आपको include करके मिले

सो so, अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं बेसिक जो डिफरेंस है जो आपको कॉलम वाइज एग्जाम में भी आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वो वेब पोर्टल तब आप क्या लिखोगे तो आपको इस तरीके से डिफरेंस मेंशन करना आना चाहिए लिखना आना चाहिए तो वेब पोर्टल क्या है कलेक्शन ऑफ लॉन्च वेब पेजेस ऑफ एरे ऑफ वेब सर्विसेज लाइक ई सर्च इंजिन वेदर गेमिंग एंड न्यूज एक्सेट्रा ये हम पढ़ चुके हैं वेबसाइट क्या होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑफरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंटेंट परटेनिंग टू नीड एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनिंग द वेबसाइट तो वेबसाइट क्या है एक स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है सपोज स्कूल का गोल क्या होता है स्टूडेंट्स को टीचर्स को जो भी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनका वो गोल होता है कि वो स्टूडेंट तक पहुंचाना है ना स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स तक पहुंचाना तो ये एक उनका स्पेसिफिक गोल हुआ वेब पोर्टल में क्या होता है जैसे अभी मैंने एमपी ऑनलाइन का एग्जाम्पल बताया आपको गेम्स स्पोर्ट्स रिजर्वेशन है ना वेदर से रिलेटेड कुछ चीजें चाहिए तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं वेब पोर्टल में लिंकअप होती है क्लियर तो वेबसाइट क्या होता है सिंपल हम समझे तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेब पोर्टल क्या होता है कलेक्शन ऑफ वेबसाइट इट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट इज नॉर्मली एन एंट्री पॉइंट और गेट वे फॉर यूजिंग वेब सर्विसेज जो वेब सर्विसेज है उनको यूज करने का एक बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है

नेक्स्ट पॉइंट इज अ कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर मैनेजिंग एंड इंटीग्रेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एप्लीकेशन इसमें डाइवर्स एप्लीकेशन मतलब लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूड होती है इंटीग्रेट होती है पोर्टल में तो एक ऐसा कंप्लीट इन्वायरमेंट बोल सकते हैं हम कि वेब पोर्टल एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हो

वेब पोर्टल अलग अलग यूजेस होते हैं बट यहाँ पे एक सिर्फ स्पेसिफिक यूज होता है एग्जाम्पल है ना जो आपकी एनसीआर की या जो सीबीएसई की वेबसाइट होती हैं वो भी क्या होती है वो वेबसाइट के अंदर ही आती है जो सिर्फ आपको सीबीएसई और एनसीआर टी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करती है टर्मिनोलॉजीज के बारे में जैसे वॉट इज वेब सर्वर है ना वेब साइट्स क्या होता है वेब सर्वर क्या होते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक वेब पेजेस ओके सो बिफोर स्टार्ट दिस लेट्स रिवाइज व्हाट इज वेब सर्वर एंड व्हाट इज वेब साइट्स तो वेब सर्वर क्या होते हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं या वो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं वेबसाइट्स को सेव करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी हजारों लाखों करोड़ों में वेबसाइट्स एग्जीक्यूट हो रही है रन हो रही है सो so, वो कहाँ सेव होती है सब एक सिस्टम पे सेव होती है बड़े बड़े डेटा में सेव होती है जिसे हम क्या बोलते हैं वेब सर्वर बोलते हैं ओके okay? सो so, आपको क्लियर हुआ है अब वेबसाइट्स क्या होता है वेबसाइट्स क्या होती है वेब पेजेस का कलेक्शन होती है क्लियर जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेब साइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेब पेजेस को डिटेल में कि वेब पेज क्या होते हैं कैसे बनते हैं क्या कितने टाइप के वेब पेजेस होते हैं और किन किन थिंग्स की नीड होती है जब हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं क्लियर तो सिंपल सी बात है कि वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर और इज अ सिस्टम जहां पर सारी वेबसाइट्स सेव होती हैं और हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे हम उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं अब वेबसाइट वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और वेबसाइट के अंदर क्या होता है पेजेस होते हैं वेबसाइट इज नॉट अ सिंगल पेज वेबसाइट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस होती हैं क्लियर अब सिंपल सी चीज है कि वेब पेज क्या होता है हम समझते हैं देखिए वेब पेज ये दो अलग-अलग टर्म -अलग से मिलकर बना हुआ है क्लियर पेज के बारे में अगर हम समझते हैं तो पेज क्या होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है जिसमें इन्फॉर्मेशन आप लिखते हो वो पेज कहलाता है सिंपल आप अपनी कॉपी में कुछ नोट डाउन करते हो तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर रहे हो है ना जिससे आपको नॉलेज मिलता है तो पेज क्या है सिंपल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम बोल सकते हैं डॉक फाइल्स भी हो सकती हैं आपकी क्लियर या कुछ शीट्स हो सकती हैं कुछ एक्सेल की शीट्स हो सकती है कुछ प्रेजेंटेशन हो सकती हैं है, है ना लेकिन जब हम बात करते हैं वेब पेज की तो वेब पेज में जो पेज होता है वो होता है एच डिजाइन वो पेज किस में लिखा होता है एच में लिखा होता है तो वो पेज जो एच टी एम लैंग्वेज में लिखा होता है जो एच टी एम कोडिंग से कोडेड होता है प्रोग्राम होता है वो पेज इंटरनेट से लिंक होता है किससे होता है इंटरनेट पे आप उसे एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट इट मींस वेब। तो वो पेज जो एच टी एम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिसको हम इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं तो कंबाइंडली वो पेज कहलाते हैं वेब पेज ओके okay? सो so, आपको वेब पेज समझ में आया होगा कि वैसे तो हम नॉर्मली बहुत सारे डॉक फाइल्स बनाते हैं पीपीटीज बनाते हैं एक्सेल शीट्स बनाते हैं है ना लेकिन जब कोई पेज आप एच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके क्रिएट करते हो एच प्रोग्रामिंग को अभी हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में बट बेसिकली अभी आप इतना समझ लीजिए कि एच लैंग्वेज का यूज करके उसमें एच लैंग्वेज में कोडिंग का यूज करके जब हम कोई पेज बनाते हैं है ना जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जब आप इंटरनेट पर लोड करते हो अपलोड करते हो इंटरनेट के साथ लिंक करते हो तो वो पूरा पेज बन जाता है वेब पेज होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से कि वेब क्या होता है। तो वेब पेज सिंपल हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है अब कैसी इंफॉर्मेशन होती है है ना? तो इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं कि टेक्सुअल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है ओके okay? कुछ ग्राफिक्स भी हो सकते हैं उसमें कुछ इमेजेस भी हो सकती हैं कुछ ऑडियो फाइल्स भी हो सकती हैं कुछ वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं तो जरूरी नहीं है कि वेब पेज में सिर्फ टेक्सचुअल डेटा हो इट इज नॉट कंपलसरी वेब पेज में आप ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स किसी भी तरीके की किसी भी तरीके की मीडिया फाइल्स कैसा भी डेटा हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं ओके okay? अभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने कमेंट पढ़ा था आप लोगों का जिसमें पूछा था किसी स्टूडेंट ने okay? so, कि व्हाट इज डेटा ओके सो लेट मी डिस्कस अबाउट यू कि डेटा क्या होता है बेसिकली व्हाट इज डेटा जिसको कुछ डाटा के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं सिंपल डेटा फैक्ट्स फिगर्स होते हैं रॉ हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा तो डेटा के अंदर टेक्स्ट इंक्लूड होता है आपने कुछ ऑडियो फाइल बनाई है WhatsApp पे बेसिकली आप आप ऑडियो फाइल सेंड करते 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 हो करते हो हो कुछ वीडियोस भी शेयर है ना तो ये जो भी डेटा या जो भी फाइल uh, जिसको हम बोल सकते हैं जिसमें टेक्स्ट हो ग्राफिक्स हो इमेजेस हो है ना तो ये सब मिलके कलेक्टिवली क्या कहलाता है डेटा कहलाता है तो इंटरनेट में या कंप्यूटर के टर्म में जब आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे होते हो तो हम

ओके okay, जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं वेब सर्वर से क्लियर तो अब हम इसके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं वेब पेज इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट इज लिंक्ड टू द वर्ल्ड वाइड वेब व्यूवेबल बाय एनीवन कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैविंग अ वेब ब्राउजर ध्यान से समझिए वेब पेज इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट वेब पेज कौन सा डॉक्यूमेंट है डिजिटल अब डिजिटल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर है? समझता, है? समझता, है. समझता, है. समझता है तो वेब पेज क्या होता है एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है ओके दैट इज लिंक्ड विद द वर्ल्ड वाइड वेब किससे लिंक होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब इज वॉट वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वेब सर्वर तो वेब सर्वर से लिंक्ड होता है मतलब वेब सर्वर पे वो वेब पेज पब्लिश्ड होता है सेव होता है स्टोर होता है जहां से हम वेब पेज को एक्सेस करते हैं एंड विवेबल बाय एनीवन कनेक्टेड टू द इंटरनेट अब वो पर्सन उस वेब पेज को देख सकते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस होता है तो वो पर्सन उस वेब पेज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं कैसे एक्सेस करते हैं वेब पेज को बाय यूजिंग वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर के थ्रू वेब ब्राउजर क्या हो गए गूगल क्रोम नेटस्केप नेविगेटर मो ओपेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर ओके सो दीज आर द वेब क्लियर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई वेब पेज की तो वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं कब डेवलप हुए ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेब ब्राउजर ही है फिलहाल हम वेब पेजेस पे आते हैं तो वेब पेजेस क्या हो गए डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो गए जो सर्वर पे स्टोर होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें उनके एड्रेस को एक्सेस करना होता है और वो हम किस सॉफ्टवेयर पे एक्सेस कर सकते हैं वेब वेब पेजेस को ब्राउजर पे एक्सेस कर सकते हैं अब इट कंटेन एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जैसा मैंने बताया कि वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन होती है कलेक्शन ऑफ होती इंफॉर्मेश तो वो इंफॉर्मेशन किस टाइप की होती है टेक्स्ट की टाइप की हो सकती है कोई कलर हो सकता है ग्राफिक्स हो सकता है एनिमेशन हो सकता है वीडियोस हो सकती हैं, साउंड्स हो सकते हैं ओके okay? तो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन इसी को हम एक्चुअल बोलते हैं डेटा इस किसी भी टाइप के डेटा को जब आप वेब पेजेस पे करते हो सेव करते हो वो सर्वर पे सेव होता है तो उसके थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू क्लियर तो होप आपको वेब पेजेस अच्छे से समझ में आया होगा वेब पेज क्या होता है नेक्स्ट इज वॉट वेब पेज क्या कंटेन करता है जैसे मैंने अभी बताया टेस्ट ग्राफिक्स साउंड है ना बट ये तो जनरल वे हुआ कि एक वेब पेज में ये सारी चीजें होती है बट जब एक्चुअल हम इसको डिवाइड करते हैं एक्चुअल जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वेब पेज क्या कंटेन करता है तो वेब पेज कंटेन करता है तो टू थिंग्स और मतलब web page में कुछ कंटेंट होता है और वेब पेज का कुछ स्ट्रक्चर होता है ओके तो हम हम ये देखेंगे कि कि को हम divide कर रहे हैं two parts में कि भी आप वेब पेज को एक्सेस करते हो और स्ट्रक्चर वाइज भी हम वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं ओके okay? अब कंटेंट वाइज क्या होता है और स्ट्रक्चर वाइज क्या होता है one by one discuss करते हैं कंटेंट वाइज कंटेंट आप सभी को पता है

वेब पेज में जो कंटेंट होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं या तो वो हाइपर होती है या वो हाइपर लिंक होती है ओके अब हाइपर क्या होता है हाइपर लिंक क्या होता है हम इसे समझते हैं सपोज आप गूगल को एक्सेस करते हो ओके गूगल पे आपने लिखा ये गूगल का एड्रेस बार है यहां पर आपने लिखा कंप्यूटर ओके तो अब क्या होगा इससे कंप्यूटर के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वेब सर्वर पे गूगल क्रोम हमने ओपन किया है वहां हमने लिखा है कंप्यूटर कंप्यूटर के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वेब सर्वर पे वो सब आपको यहाँ शो होगी जैसे सपोज आपको पहला शो हो रहा है वॉट इज कंप्यूटर है ना और इसके नीचे लिंक है दूसरा आपको हार्डवेयर शो हो रहा है या सॉफ्टवेयर शो हो रहा है इसके नीचे लाइन खींची हुई है तो ये क्या कहलाती है जिसके नीचे लाइंस होती हैं, जिसके नीचे अंडरलाइन होती है ये कहलाती है हाइपर लिंक क्या कहलाती है हाइपरलिंक अब जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हो क्या करते हो क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद में एक पेज ओपन होता है है ना नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिस पे कुछ टेक्स्ट लिखा होता है सपोज कंप्यूटर के डिटेल डेफिनेशन सारी चीज लिखी हुई है कुछ एक इमेज भी होती है कंप्यूटर की ओके okay, तो ये क्या हो गया हाइपर टेक्स्ट ये क्या है हाइपर टेक्स्ट और ये क्या है हाइपर लिंक आपको समझ में आया हाइपर लिंक क्या होती है और हाइपर टेक्स क्या होता है ओके okay? जब भी इंटरनेट पे आप कोई चीज एक्सेस करते हो तो जिस टेक्स के नीचे अंडरलाइन होती है जिस पर क्लिक करने से कोई नया पेज खुलता है तो वो पेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखी हुई है वो कहलाती है हाइपर और जिस पर आप क्लिक करते हो अंडरलाइन वाली टेक्स्ट पे वो कहलाती है hyperlink. तो अगर हम कंटेंट वाइज देखते हैं कि कंटेंट वाइज वेब पेज में क्या कंटेंट होते हैं तो वेब पेज में दो ही कंटेंट होते हैं या तो हाइपर होती है या हाइपर टेक्स होती है ओके okay? अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं रिफर्स टू डिजिटल टैक्स हाइपर को क्या बोलते हैं हम डिजिटल टैक्स कंप्यूटर पे जितना भी आपको डेटा दिखता है जो भी आपको फाइल्स खुलती है जो भी है वो सब डिजिटल होती हैं इसलिए हम यहाँ पर डिजिटल वर्ड का यूज करते हैं तो हाइपर टेक्स रिफर्ड टू द डिजिटल टेक्स्ट विच इज मोर देन जस्ट टैक्स एट एज इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन वेरियस मीडिया फॉर्मेट्स अब हाइपर टेक्स में सिर्फ टेक्स्ट नहीं होती है कुछ मीडिया फॉर्मेट्स भी होते हैं जैसे हम बोले कुछ इमेज हो गई टेक्स्ट हो गया ग्राफिक्स हो गए साउंड्स हो गए इमेजेस हो गई वीडियोस हो गई खुद हाइपरलिंक भी हाइपरटेक्स्ट का एक पार्ट होती है ओके okay? तो हाइपरटेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट नहीं होती है कुछ मीडिया लिंक्स भी होती है कुछ मीडिया इमेजेस भी होती है जैसे टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड्स इमेजेस एंड वीडियोस सो होप आपको हाइपरटेक्स्ट समझ में आया नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है हाइपरलिंक अब हाइपरलिंक मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको आपने व्हाट इज कंप्यूटर पे क्लिक करा तो आपको एक नया पेज खुला सपोज आप हार्डवेयर वाली लिंक पे क्लिक करें लिंक जस्ट है ना इस पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल जाएगा तो वो कहलाती है हाइपरलिंक तो वेब पेज में हम हाइपरलिंक भी होती है हाइपरलिंक भी हम क्रिएट कर सकते हैं तो हाइपरलिंक रेफर टू अ लिंक फ्रॉम अ हाइपर टेक्स्ट फाइल टू अनादर सच फाइल्स हाइपर तो लिंक भी किससे बनती है हाइपर टेक्स के फॉर्म में ही होती है जिसपे क्लिक करने से आप किसी दूसरी फाइल पे चले जाते हो आपके सामने कोई दूसरी फाइल ओपन हो जाती है अ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक टेक्स्ट अपॉन क्लिकिंग वेयर द लिंक्ड डॉक्यूमेंट ओपन अप अभी जरूरी नहीं है कि हाइपर लिंक भी कोई टेक्स्ट ही हो है है ना कभी-कभी ऐसा होता है कि आप किसी इमेज पे क्लिक करते हो तो भी कोई नया पेज खुल जाता है ना किसी ग्राफिक को भी हाइपर लिंक बना सकते हो ओके तो ये तो था कंटेंट कंटेंट वाइज वेब पेज में क्या कंटेंट होता है तो दो तरीके के कंटेंट होते हैं वेब पेज में वो है हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे Structure -wise. अब structure -wise, वेब का structure कैसा होना चाहिए? Structure -wise, आप वेब जब create करते हो, तो कौन-कौन से ऐसे होते होते हैं, जो compulsory होते हैं जो हमें पेज को क्रिएट करने में ओके okay? तो स्ट्रक्चर वाइज द कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेज आर फर्स्ट पेज टाइटल सेकेंड हेडर थर्ड बॉडी ऑफ द वेब पेज फोर्थ इज नेविगेशनल लिंक्स फिफ्थ इज फूटर तो कुछ पांच कंपोनेंट्स हैं जो यूज होते हैं वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने में मतलब जब आप वेब पेज क्रिएट करते हो तो आपको इन पांच कंपोनेंट को ध्यान में रखना होता है कि हमें पेज का टाइटल देना है हमें पेज में हेडर सेट करना है हमें पेज की बॉडी सेट करना है मतलब पेज के अंदर आप क्या कंटेंट लिख रहे हो वो आपको डिसाइड करना है

जिस भी किसी सब्जेक्ट की बुक्स होगी उसमें सबसे ऊपर पेज में सबसे ऊपर आपकी बुक का नाम लिखा रहता है है ना तो वो हो गया हेडर सेक्शन बुक का नाम हो या चैप्टर का नाम हो जो भी जो टॉप में लिखा रहता है और एकदम नीचे सबसे बॉटम में सपोज पेज नंबर लिखा हुआ है तो वो हो जाता है फूटर तो सिंपल जैसे आपका बुक का पेज होता है उस जिसमें आप ध्यान रखते हो कि क्या कंटेंट है क्या हैडिंग होना है है ना तो सिंपल यहां जब हम वेब पेज भी क्रिएट करते हैं तो ये पांच कंटेंट्स होते हैं ये पांच कॉम्पोनेंट होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है ओके okay? अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं यस पेज टाइटल अब जिस भी वेब पेज को आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसका टाइटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज द सिंगल लाइन टेक्स्ट टाइटल हमेशा एक सिंगल लाइन टेक्स्ट में होता है Page. So, page कहा शो होता है हमेशा आपके ब्राउजर टाइटल बार में शो होता है कि आप कौन सी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो ओके सपोज आप गूगल को एक्सेस करते हो तो डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम ऊपर एड्रेस बार में शो होता है ना तो इट मीन इट इज द टाइटल ऑफ वेब पेज क्लियर है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है इट इज़ जनरली अ वन और टू लाइन टेक्स्ट है ना अब में आप चाहो तो बुक का नाम और चैप्टर का नाम दोनों आप एड कर सकते हो डिंग दर्प ऑफ वेब पेज है ना अब जो ग्राफिक्स और इमेजेस को आप एड रहे हो या जो टेक्सट एड रहे हो वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए वेब पेज से रिलेटेड होनी चाहिए जो वेब पेज हम क्रिएट कर रहे हैं ओके इट इज डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ वेब पेज कहा होता है हमेशा टॉप ऑफ वेब पेज बिलो द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर का जो एड्रेस पार्ट होता है मतलब जहां टाइटल शो होता है उसके जस्ट नीचे आप बोल सकते हैं बॉडी ऑफ वेब पेज अब आती है वेब पेज के कंटेंट की बारी हमने हेडर सेट कर दिया टाइटल सेट कर दिया अब उस वेब पेज में आपको क्या लिखना है किस से रिलेटेड आप वेब पेज बनाने वाले हो तो वो कहलाता है बॉडी और कंटेंट ऑफ वेब पेज इज द सेक्शन बिलो द हेडर हैडर के नीचे होता है द वेब पेज एंड इट कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट ऑफ वेब पेज एक्चुअल कंटेंट ऑफ वेब पेज क्लियर नेक्स्ट इज नेगेशनल लिंक नेविगेशनल लिंक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आप वेब पेजेस क्रिएट करने वाले हो सपोज आप फाइव वेब पेजेस क्रिएट करने वाले हो तो आपके ऑल फाइव वेब पेजेस एक दूसरे से लिंक होना चाहिए उनकी प्रॉपर नंबरिंग होना चाहिए प्रॉपर सिक्वेंसिंग होना चाहिए ऐसा नहीं कि फिफ्थ पहले आ रहा है फर्स्ट लास्ट में जा रहा है ओके okay? तो उसे बोलते हैं हम नेविगेशनल लिंक तो हमें अप करना पड़ता है सारे वेब पेजेस को ओके सो दीज आर दाइपर लिंक्स प्लेस्ड ऑन वेब पेजेस

डिटेल थी फर्दर ओके okay? कि कंप्यूटर किससे मिलकर बना हुआ है क्या हार्डवेयर होते हैं क्या सॉफ्टवेयर होते हैं तो कहीं ना कहीं ये नेविगेशनल लिंक है कि आप पहले इस पर क्लिक करो फिर ये पेज ओपन हो रहा है फिर इस पे क्लिक करो फिर ये पेज ओपन हो रहा है तो दिस इज द नेविगेशनल लिंक्स ओके जहां हमें डिसाइड करना होता है कि, कि किस पर्टिकुलर पार्ट part पे आप क्लिक करोगे तो कौन सा वेब पेज ओपन होगा क्लियर फूटर फूटर इज द लास्ट पोर्शन या बॉटम सेक्शन ऑफ वेब पेज फुटर क्या होता है एकदम बॉटम सेक्शन होता है जिसमें आप वेबसाइट के कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि वेबसाइट किसने बनाई है उसका नाम लिख सकते आप, okay, लिख सकते सकते हो हो आप ओके वेब पेज का नंबर तो फूटर में हमेशा बेसिकली इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आती हैं सो ये कुछ पांच कंपोनेंट्स थे जिसे हमें ध्यान रखना होता है जब हम किसी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो ये आते हैं आपके स्ट्रक्चर वाइज सेक्शन में कंटेंट वाइज सेक्शन में हमने डिस्कस किया था हाइपर और हाइपर टेक्स्ट होती ओके क्लियर हो हुआ होगा आपको कि हम वेबसाइट जब क्रिएट कर वेब पेज जब क्रिएट करते हैं तो हमें किन चीजों को माइंड में रखना है नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स अ वेब वेब पेज पेज वर्क वर्क अब कैसे करता है इट मींस कि वेब पेज का क्या रोल है ओके okay? हम कैसे वेब पेज को एक्सेस करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अब वेब पेज इज व्यूड थ्रू अ वेब ब्राउजर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वेब पेज को यदि आपको देखना है तो हम किसका यूज करेंगे वेब ब्राउजर का ब्राउजर सबको पता है गूगल क्रोम है ना ऑन अ मोबाइल डिवाइस अब आप वेब पेज को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो किसी मोबाइल डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हो लैपटॉप पे डेस्कटॉप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे द वर्किंग ऑफ वेब पेजेस इज सक्सेसफुल ओनली वेन यूजर कैन इट सक्सेसफुली किसी भी वेब पेज को एक्सेस करना तभी सक्सेसफुल होता है जब उसे कोई विवर सक्सेसफुल एक्सेस कर पाता है सक्सेसफुल इसके कंटेंट को एक्सेस करता है, है ना जब भी कोई वेबसाइट तभी सक्सेसफुल होती है ना जब हम उसके कंटेंट को एक्सेस करते हैं जब वो हमारे यूजफुल होती है ओके For a web page to work properly, it has undergone the following three steps. a अब page ko को यहाँ inhone इन्होंने तीन mein में kiya किया हुआ है सबसे पहली जो hai है वो creating a web page obvious jab bhi जब भी आपको कोई hai बनानी है या create karna hai करना है तो सबसे hoti hai होती है उसकी ab की अब kya में क्या आता है web page kaise bana कैसे बना सकते हो कुछ कोडिंग करके कोई प्रोग्रामिंग करके क्लियर तो यहाँ पे क्रिएशन में क्या आता है कि हम कुछ कोडिंग करते हैं कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और फिर उसको हम लिंकअप करते हैं ठीक है तो पहली स्टेप है कि वेब पेज को आपको क्रिएट करना है क्रिएट करने के लिए हमें कंटेंट को भी ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना है जो हमने पीछे अभी पढ़ा ओके नेक्स्ट स्टेप इज अपलोडिंग पब्लिशिंग द वेब पेज अब वेब पेज को आपको अपलोड करना है आपने वेब पेज क्रिएट कर लिया बहुत सारी प्रोग्रामिंग कर ली बहुत सुंदर सा वेब पेज क्रिएट कर लिया कंटेंट का भी ध्यान रखा है अपने सब्जेक्ट का भी ध्यान रखा है प्रॉपर स्ट्रक्चर भी ध्यान रखा है ओके okay, अब इसे हमें नेक्स्ट स्टेप में अपलोड करना है अपलोड इन द सेंस कि आपको इंटरनेट के वेब सर्वर पर जाकर कुछ परचेज करनी है स्पेस जहां पर आपको अपने वेब पेज को शो करवाना है ताकि अदर यूजर्स जब आपके उस वेब पेज को एक्सेस करेंगे किसी एड्रेस के थ्रू तो उसे एक्सेस कर सकते हैं उस वेब पेज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं क्लियर तो सेकेंड स्टेप क्या है वेब पेज को पब्लिश करने की वेब पेज को होस्ट करने की कहा पर वेब सर्वर पर जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज रिट्राइवल अब यहां पर रिट्राइवल में वही सेम चीज आ गई कि आपको वेब पेज का एड्रेस शो करना है जब भी आप वेब ब्राउजर में उस वेब पेज का एड्रेस लिखोगे वेबसाइट का एड्रेस लिखोगे तो क्या होगा वो वेब पेज वेब सर्वर से आपके सामने शो हो जाएगा सो यू कैन रिट्राइव द अदर यूजर कैन रिट्राइव द वेब पेजेस ओके सो हम इसको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं तीनों स्टेप्स को फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ वेब पेज इन दिस स्टेज वेब पेज इज क्रिएटेड विथ प्रॉपर कोडिंग जैसा मैंने अभी आपको बतायान बी इन प्योर एच डी एम एल फॉर स्टेटिक पेज और कंटेंट एम स्क्रिप्ट ऑल्सो फॉर डायनेमिक कंटेंट यहां ध्यान दीजिए जो वेब पेज होते हैं वो टू टाइप के होते हैं ओके वेब पेज आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज स्टेटिक वेब पेज एंड सेकेंड इज डायनेमिक वेब पेज ओके okay. अब स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं जो एचटीएमएल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जिसको हम चेंज नहीं कर सकते नॉट चेंज्ड मतलब एक बार जो आपने वेब पेज क्रिएट कर दिया एचटीएमएल लैंग्वेज का यूज करके तब आप उस और उसको आपने होस्ट कर दिया इंटरनेट पे तब आप कितनी भी बार वेब पेज को एक्सेस करोगे लेकिन उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो उसको बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज ओके अब डायनेमिक वेब पेज क्या होता है जो लिखे जाते हैं एडवांस लैंग्वेज में लाइक पी एच पी ओके पाइथन तो इन सब लैंग्वेजेस का यूज करके एस पी है ना तो ये कुछ एडवांस लैंग्वेज है जिनका यूज करके जब हम वेब पेज बनाते हैं तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं वी कैन डू चेंजेस ओके तो यहाँ पे दो तरीके के वेब पेजेस होते हैं डायनेमिक वेब पेज और स्टैटिक वेब पेज होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डायनेमिक वेब पेज के जो कंटेंट होते हैं उसको हम आसानी से चेंज कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और उनके पास ऐसा बोल सकते हैं वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है जिसमें ऐसे ऑप्शन होते हैं ऐसी फैसिलिटीज होती है कि आप वेब पेजेस को होस्ट करने के बाद भी उसमें चेंजेस कर सकते हो बट जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बार जिस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं एच टी एम एल लैंग्वेज में एच टी एम एल लैंग्वेज का यूज करके लिखे जाते हैं तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते इसलिए उसे स्टेटिक पेज कहते हैं ओके दिस स्टेज ऑल्सो इंश्योर्स दैट द कोड ऑफ वेब पेजेस इज एरर फ्री और इस स्टेज में जब आप वेब पेज को क्रिएट कर रहे होते हो तो हमें ये इंश्योर होना पड़ता है हमें ये श्योर होना पड़ता है कि हाँ हमने जो वेब पेज क्रिएट किया है वो एरर फ्री है बग फ्री है क्लियर क्योंकि हम उसको एक बार अपलोड करने के पहले फिर से चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है ओके okay? सो so, ये कुछ स्टेप्स थी जब आप वेब पेज को क्रिएट करते हो तो आपको ध्यान में रखनी होती है सेकेंड स्टेप इज अपलोडिंग और पब्लिशिंग द वेब पेजेस अब जब आप वेब पेज को अपलोड करते हो या फिर पब्लिश करते हो तो कहाँ पब्लिश करते हैं हम वेब सर्वर पे पब्लिश करते हैं इन दिस स्टेज द कोड ऑफ द वेब पेज इज लोडिंग ऑन द वेब सर्वर इस स्टेज में क्या होता है वेब सर्वर पर वेब पेज लोड होता है इन अदर वर्ड्स द वेब पेज इज पब्लिश्ड इसी को हम वेब पेज पब्लिशिंग भी कहते हैं वेब पेज की होस्टिंग भी इसी को ही कहते हैं ओके नाउ नेक्स्ट इज रिट्राइवल रिट्राइवल इन द सेंस कि अब आपने वेब पेज क्रिएट कर लिया वेब पेज को अपलोड कर दिया अब अदर यूजर उसको जब एक्सेस करेंगे तो उस पर्टिकुलर स्टेप को बोलते हैं रिट्राइवल इन दिस स्टेज द वेब पेज इज डिलीवर्ड टू यूजर्स कंप्यूटर ऑन द वेब ब्राउजर फॉर व्यूविंग अब वेब पेज देखने के लिए हमें वेब ब्राउजर की नीड होगी तो वेब ब्राउजर की हेल्प से हम उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं क्लियर नाउ इन ऑर्डर टू व्यू मॉ वेबेज इज फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस अब कुछ प्रोसेस होती है फर्स्ट प्रोसेस इज द यूजर टाइप इट्स यू है ना ये रिट्राइवल की प्रोसेस है कि यूजर कैसे एक्सेस करता है वेब वेब पेज को सर्वर से। सबसे पहले यूजर क्या टाइप करता है एड्रेस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना सपोज आप गूगल को एक्सेस करते हो आप मैग्नेट ब्रेंच को एक्सेस करते हो या आप अपनी एनसीआर की वेबसाइट को एक्सेस करते हो या अपने स्कूल की वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आप कुछ एड्रेस टाइप करते हो है ना जिसको हम बोलते हैं यू ओके इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर तो फर्स्ट स्टेप इज टाइप द आर इन द एड्रेस बार डोमेन नेम ऑफ दू आर एल अब वेब ब्राउजर क्या करेगा उसको आइडेंटिफाई करेगा जिसका नाम आपने लिखा है है ना सपोज आपने मैग्नेट ब्रिंस का नाम लिखा है मैगनेट्रेंस की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो तो जो भी वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम है मोजिला है वो क्या करेगा डोमेन नेम को आइडेंटिफाई करेगा कि वेब ब्राउजर पे इस नाम के फाइल है इस नाम का वेबसाइट है यदि होगा तो वेब सर्वर से उसको होस्ट करेगा

तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे अब है वेब पेज एंड वेबसाइट में डिफरेंस ओके okay? अभी तक हमने बहुत वेब वेब पेजेस के के बारे बारे में 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 पढ़ा पढ़ा लास्ट वीडियो में हमने वेबसाइट था तो बेसिकली इन पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है होप आपको अब आप तो क्लियर हो गया होगा कि वेब पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है सिंपल सा एक बेसिक सा डिफरेंस है कि वेब पेज होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन ओके सो डिस्कस करते हैं हम वन बाय वन

लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो होता है होम पेज जो उसकी पूरी वेबसाइट के कंटेंट के बारे में वेबसाइट किस लिए बनाई गई है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन शो करता है है ना तो होम पेज जो होता है वो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का सो फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं कि ncert.nic.in वेबसाइट की तो ये वेबसाइट आपकी एनसीआर की वेबसाइट है जिसमें क्या होता है बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं अलग अलग जैसे होम टेब हो गया कॉन्टैक्टर्स हो गया है ना होम टेब में आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग मिलती है एन के रिगार्डिंग लाइक like कुछ प्रोग्राम्स है कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स है साइंस डिपार्टमेंट है है ना उन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है तो फॉर एग्जाम्पल एनसीआर टी इज कंसिडर्ड अ वेबसाइट विच कंटेन्स मेनी वेब पेजेस ना हाउ एवर सिंगल वेब पेज ऑन दिस साइट वुड बी इट्स होम पेज और अबाउट अस पेज एंड सो ऑन तो सिंगल अगर हम वेब पेज की बात करते हैं तो एनसीआर का जो एक पेज होगा होम पेज वो एक सिंगल वेब पेज होगा फिर दूसरा कोई वेब पेज होगा अबाउट अस टैब का तो वो तो वो दूसरा वेब वेब पेज होगा ऐसी वेबसाइट क्या होती है अलग अलग पेजेस का कलेक्शन होती है क्लियर नेक्स्ट इज द कंप्लीट वेबसाइट कंटेंट मेनी वेब पेजेस जैसा अभी मैंने बताया आपको कि अगर हम एनसीआर डॉट एनआईसी डॉट इन वेबसाइट की बात करते हैं एनसीई आर टी डॉट एनआईसी डॉट इन की बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ टैब मिलते हैं फर्स्ट टैब होता है होम टैब सेकेंड होता है अबाउट अस, थर्ड होता है थर्ड थर्ड जो है वो हम बोल सकते हैं कुछ प्रोग्राम्स हो गए ओके फोर्थ इज कॉन्टैक्ट तो इस तरीके से एक वेब वेबसाइट क्रिएट होती है और उस वेबसाइट में कुछ होम पेजेस होते हैं कुछ अलग अलग पेजेस होते हैं जिस टैब पे आप क्लिक करते हो उस टैब से रिलेटेड क्या होता है वेब वेब पेजेस पेजेस ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ के नाम लिखे हुए लाइक होम पेज रजिस्टर पेज डेमो पेज अबाउट अस पेज और कॉन्टेक्ट पेज है ना जब आप लॉग इन करते हो तो एक रजिस्टर पेज आता है जिसमें हम लॉग इन पेज और यूजर आई इंसर्ट करते हैं सो ईच ऑफ द अब आर इंडिविजुअल वेब पेजेस बट टुगेदर दिस ऑल मेक्स द वेबसाइट लाइक एनसीआर इन तो इस तरीके से हम अलग अलग वेब पेजेस से एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उस पूरी वेबसाइट का नाम होता है इस तरीके से एनसीआर टी डॉट एनआईसी डॉट इन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं सपोज आपके स्कूल की भी वेबसाइट होगी वो भी कुछ इस तरीके से ही आपको शो होती होगी तो सिंपल सा टॉपिक है सिंपल सा ऑप्शन uh, है जो हमें यहाँ समझना है कि वेब पेजेस जो होते हैं अलग अलग पेजेस होते हैं एक सिंगल पेज होता है और वेबसाइट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं और आज जो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेब ब्राउजर तो वेब ब्राउजर स्टार्ट करने के पहले हम कुछ डायग्रामेटिकली समझ लें सारे टर्म्स को जो हम लास्ट में लास्ट वीडियोज में पढ़ चुके हैं सपोज ये एक सिस्टम है क्लाइंट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं यूजर सिस्टम ओके जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं सेकेंड सिस्टम इज सर्वर सिस्टम है ना अब सर्वर के पास क्या होता है एक सॉफ्टवेयर होता है ठीक है जिसके थ्रू क्या होता है डेटा बनते हैं और डेटा में सारे डेटा को सेव किया जाता है ओके सर्वर किससे कनेक्टेड होता है डेटा बेस सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होता है अब यहाँ पर क्लाइंट सिस्टम क्या करता है बेसिकली रिक्वेस्ट करता है रिक्वेस्ट क्या करता है जैसे आप और मैं क्लाइंट सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं है ना अब जब हम वर्क कर रहे हैं हमें कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करनी है या हमें किसी वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि ये दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड हो ओके okay, अब कैसे कनेक्टेड होता है सिस्टम आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं है ना तो इंटरनेट तो बेसिकली क्या होता है कनेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स और मोर देन वन नेटवर्क्स है ना बहुत सारे नेटवर्क्स का कनेक्शन या बहुत सारे सिस्टम्स का एक नेटवर्क में जो कनेक्शन होता है वो इंटरनेट होता है क्लियर यदि इंटरनेट नहीं होगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कनेक्शन नहीं होंगे तो हम ये जो प्रोसेस है सर्चिंग की इंफॉर्मेशन गैदर करने की नहीं कर सकते सो बेसिकली इंटरनेट क्लियर अब इंटरनेट एक्चुअल सिर्फ कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स आर ग्रुप टुगेदर कनेक्टेड टुगेदर सर्वर से कैसे कनेक्टेड होता है इस सर्वर को एक्चुअली हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब है ना वर्ल्ड वाइड वेब इट मीन्स कि सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं बहुत सारे डेटा बेसिस प्रोग्राम्स होते हैं है ना मतलब दुनिया भर के जो वेबसाइट्स हैं लाखों करोड़ों बिलियंस में जो वेबसाइट्स है वो सब एक सर्वर सिस्टम पर ही सेव होती हैं ओके okay? तो जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन की नीड होती है या कुछ सर्च करना होता है तो हम कहाँ से एक्सेप्ट करते हैं उसे कहाँ से लेते हैं सर्वर से लेते हैं सर्वर पे कौन सा प्रोग्राम कौन सा सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा होता है डब्ल्यू 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 इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब वेब इट मीन्स इंटरनेट तो जब हम इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं और हमें किसी चीज को सर्च करना है तो वो हम सर्वर से इंटरनेट का या वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करके सर्च कर सकते हैं अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कैसे सर्च कर सकते हैं तो सर्च करने के लिए या आप किसी डेटा को जब चाहते हो तो उसे एक्सेस करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की या जिस टूल की नीड होती है वो कहलाता है वेब ब्राउजर इट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है वो सॉफ्टवेयर okay? को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट इज बिटवीन क्लाइंट सिस्टम एंड सर्वर सिस्टम नेटवर्क में जब कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं तो वेब ब्राउजर ही एक लिंक की तरह काम करता है इट मीन आपके सिस्टम पर जब तक वेब ब्राउजर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप इंटरनेट पर जो भी चीजें हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एक्सेस नहीं कर सकते हो क्लियर तो इंटरनेट पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर वेब ब्राउजर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां से आपको वेब ब्राउजर की इम्पॉर्टेंट समझ में आई होगी कि वेब ब्राउजर के बिना हम इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते अब किसी भी चीज़ इन द सेंस कोई ऑडियो फाइल है कोई वीडियो फाइल है कुछ वेबसाइट्स हैं कुछ ऐसा डेटा है जो आपने अपलोड किया है या हम कुछ डाउनलोड करना है चाहते हैं तो किसी भी तरीके का डेटा ऑडियो वीडियो टेक्सुअल है ना ग्राफिकल किसी भी तरीके के डेटा को जब आपको एक्सेस करना है इंटरनेट से किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो वो विदाउट वेब ब्राउजर पॉसिबल नहीं है ओके okay, तो ये थी नीड वेब ब्राउजर की अब वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं बहुत अच्छे से आप जानते हैं तो मोस्ट पॉपुलर जो वेब ब्राउजर है जिसका सभी बेसिकली यूज करते हैं वो होता है गूगल क्रोम तो बेसिकली आज जो मार्केट में जिसका सबसे ज्यादा शेयर है वो है गूगल क्रोम तो गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर जब तक ये हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होता है तभी हम वेबसाइट्स को या किसी भी तरीके के डेटा को सर्वर सिस्टम से एक्सेस इंटरनेट पर कर सकते हैं क्लियर सेकेंड थिंग अब यदि हम वेब ब्राउजर के डेफिनेशन पे आते हैं तो वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम

वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है वेब ब्राउजर क्या करता है रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको सर्वर को अब सर्वर क्या करता है जो भी डेटा आप सर्च करने वाले हो सर्वर उसे फर्दर डेटाबेसिस में ये जो डेटाबेसिस हमने यहां बनाए इन डेटाबेसिस में उसको सर्च करता है यदि वो डेटाबेसिस में फर्दर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे वापस से सेंड करता है क्लाइंट सिस्टम तक एज ए रेस्पॉन्स अब ये देखने में तो बहुत बड़ी प्रोसेस लग रही है कि हमने कुछ लिखा फिर कुछ सर्च हुआ और सर्च होके फिर वापस हमारे सामने आया तो ये बहुत जल्दी हो जाता है विद इन अ नैनो सेकेंड्स हम बोल सकते हैं कि मिली सेकेंड्स में ये काम होता है लेकिन एक्चुअली बैक साइड पे ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है बहुत लंबी प्रोसेस होती है जिसमें डेटा को सर्वर पे अलग अलग सर्वर पे अलग अलग डेटा बेसिस में सर्च करके आपके सिस्टम पे शो करना होता है तो ये काम होता है एक्चुअल वेब ब्राउजर का ओके टू विजिट अ साइट बाय सप्लाइंग द ब्राउजर विद एन एड्रेस और अब देखिए यहां एक न्यू चीज जो है एक न्यू हमने इंट्रोड्यूस किया है कि वेब ब्राउजर पे आपको कुछ भी सर्च करना है एनीथिंग यू वॉन्ट टू सर्च ऑन वेब ब्राउजर आपको कोई डेटा सर्च करना है आपको कोई वेबसाइट सर्च करना है किसी वेब पेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम किसके थ्रू एक्सेस करते हैं बाय यू आर एल बाय इट्स एड्रेस तो हर चीज का एक एड्रेस होता है जिसको हम वेब ब्राउजर में लिखते हैं और उस एड्रेस के थ्रू हम उसे वेब सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं एक टूल है जिसके थ्रू हम सर्वर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्लियर होप आपको वेब ब्राउजर क्लियर हुआ होगा कि वेब ब्राउजर की क्या नीड है क्यों हम उसका यूज कर रहे हैं है A web browser is a program that lets you visit different sites on net and display their offering on your computer. Sorry, I'm going change yes. Next slide is there are many browsers. अवेलेबल इन द मार्केट अब मार्केट में बहुत सारे वेब ब्राउजर्स अवेलेबल है जैसे मैंने अभी आपको बताया आप सभी गूगल क्रोम से बहुत अवेयर है अच्छे से आप कुछ ऐसे वेब ब्राउजर्स भी है आजकल जो हम मोबाइल फोन पे एक्सेस कर सकते हैं लैपटॉप्स पे एक्सेस कर सकते हैं डेस्कटॉप टी पे एक्सेस कर सकते हैं इन वेब ब्राउजर्स को हम कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आपको आप कंप्यूटर सिस्टम में खुद वेब ब्राउजर से इंटरनेट एक्सप्लोर या किसी भी वेब ब्राउजर से फर्दर हम दूसरे वेब ब्राउजर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं तो कुछ वेब ब्राउजर्स है एग्जाम्पल्स है, है ना बट ओनली फ्यू ऑफ देम सच एज नेटस्केप नेविगेटर गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर अपियर जस्ट अबाउट एवरीवेयर तो जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको गूगल क्रोम माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर मोजिला फायरफॉक्स है ना और नेटस्केप नेविगेटर सफारी ओपेरा ये बहुत कॉमन वेब है जिनका यूज़ हम बेसिकली कर रहे हैं ओके और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये मोस्ट पॉपुलर है जो अभी भी मार्केट शेयर में सबसे ज्यादा शेयर है जिसके वो वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम क्लियर दो मोजी डेवलप्ड बाय बायसीएस नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन अब देखिए आखिरमेंट में आता होगा कि इतने सारे वेब ब्राउजर्स तो हैं बट पहला कौन सा ऐसा वेब ब्राउजर है जो सबसे पहले यूज हुआ ओके okay. और सारे वेब ब्राउजर्स जो हैं ये इनमें क्या डिफरेंसेस हैं क्लियर तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे वेब ब्राउजर्स हैं इनमें बेसिकली डिफरेंस इनके फीचर्स के साथ है ओके okay. जैसे मोबाइल फोन्स आपने सुना है कि सबसे पहले नोकिया बहुत खतरनाक चला था बहुत खतरनाक मार्केट था उसका कि नोकिया के फोन्स बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते थे कि उनके फीचर्स अच्छे थे लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती गई जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे नोकिया के फीचर्स एक लिमिटेड होके रह गए है ना और आज आप देख सकते हो कि कितने सारे मोबाइल फोन्स अलग अलग कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ अवेलेबल है है ना तो कहीं ना कहीं मार्केट नोकिया का खत्म होता गया और हमने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल फोन्स आज अवेलेबल है तो सिंपल ऐसी वेब ब्राउजर्स के साथ भी होता है कि वेब ब्राउजर भी जो ओल्ड वेब ब्राउजर थे कहीं ना कहीं उनके फीचर्स में कुछ कमी थी जो टाइम के साथ नहीं बढ़ी जो टाइम के साथ लिमिटेड रही तो दूसरे जो कंपनीज जिन्होंने अपने वेब ब्राउजर्स लॉन्च किए तो वो स्पीड अप स्पीड प्रोवाइड करते थे प्राइवेसी प्रोवाइड करते थे कुछ और बहुत सारी फैसिलिटीज और फीचर्स थे उनके जो हमारे काम को इजी कर रहे थे क्लियर तो ये था बेसिक वेब ब्राउजर्स के बारे में तो फर्स्ट वेब ब्राउजर जो था वो था मोजिय

फीचर हैं हम एक्सप्लेन कर सकें सो फर्स्ट वेब ब्राउजर इज मोज़ेक जो डेवलप हुआ था 1993 में किसने डेवलप किया था नेशनल कंप्यूटिंग ऑफ सुपर कंप्यूटिंग नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ओके सेकंड इज नेटस्किप नेविगेटर 1994 में डेवलप किया गया था जिसे किसने डेवलप किया था मोज़ेक टीम लीडर मार्क अंडरसन ने डेवलप किया था कब 1994 में मोजिक ही ऑर्गेनाइजेशन का एक टीम लीडर था जिसका नाम था मार्क एंड्रेसन उसी ने एक साल बाद जब मोजिक बहुत ज्यादा ट्रेंड में था फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर था उसके बाद उसने नेटस्केप नेविगेटर लॉन्च किया अब नेटस्केप नेविगेटर में वो सारे फीचर्स थे जो मोजिक के पास नहीं थे क्लियर तो मोजिक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था जो बहुत पॉप्युलर था नाइनटीन में ओके okay? नेटस्केप नेविगेटर ने क्या किया 1994 से 95 तक तो खूब अच्छा मार्केट अपना प्लेस किया था मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 90 पीपल जो है वो यूज करते थे इंटरनेट एक्सप्लोर अब इसकी पॉपुलरिटी तो अपनी अलग ही थी इसे डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट अब देखिए बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट है तो अब माइक्रोसॉफ्ट का 1995 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था विंडोज 95 विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया है कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता था तो उसके साथ वो एक वेब ब्राउजर को लॉन्च कर दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर तो 1995 से 2002 तक इसने भी कम से कम 100% अपना मार्केट एक्जिस्ट किया था मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर था इजी एक्सेस था हर सिस्टम पे आप इसको एक्सेस कर सकते थे चाहे वो विंडोज हो है ना या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो लाइक like मैक हो गया नेक्स्ट इज मोजीला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद आया 2004 में मोजिला फायरफॉक्स अपने न्यू फीचर्स लेकर बहुत ज्यादा पोर्टेबिलिटी के साथ आया प्राइवेसी और सिक्योरिटी और स्पीड ये सारे फीचर्स के साथ में मोजिला फायरफॉक्स ने एंट्री की थी इसको डिजाइन किया गया था मोजिला फाउंडेशन ने मोजिला फाउंडेशन में जो नेटस्केप नेविगेटर है इसी का अल्टरनेटिव हम बोल सकते हैं कि मोजिला फायरफॉक्स था है ना तो इस बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया था अब 2004 के बाद गूगल कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम भी हमारा ब्राउजर लेकर आए मोजिला फायरफॉक्स चल रहा है तो गूगल कंपनी ने अपना एक वेब ब्राउजर बनाया जिसका नाम था क्रोम 2008 में 2008 में क्रोम गूगल ब्राउजर आया जिसको जिसको डेवलप किया था गूगल ने अब देखिए गूगल माइक्रोसॉफ्ट के डोमिनेंट वेब ब्राउजर्स हैं इनके अपने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे गूगल के अगर हम बात करें तो गूगल क्रोम है गूगल हैंग आउट्स है ना गूगल के कुछ प्रोडक्ट्स अलग अलग डिफरेंट भी हैं जिनको हम यूज करते गूगल शीट्स गूगल डॉक्स फाइल्स क्लियर तो इसलिए गूगल और इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है डोमिनेंट वेब ब्राउजर्स हैं ऐसी माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर तो उसका वेब ब्राउजर है स्काइप जो बहुत ज्यादा यूज में है अभी इस टाइम पे स्काइप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है वो भी विंडोज का ही है, है ना विंडोज प्लेटफॉर्म पे ही है तो गूगल का जो प्लेटफॉर्म है वो होता है एंड्रॉइड के लिए तो गूगल क्रोम को आप मोबाइल फोन्स पे भी यूज कर सकते हो सिस्टम लैपटॉप्स पे भी यूज कर सकते हो ओके गूगल क्रोम के भी अपने बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे फीचर्स हैं लाइक इसमें आप अपने खुद के थीम्स क्रिएट कर सकते हो प्लग क्रिएट कर सकते हो ओके बट मोजिला फायरफॉक्स में आप खुद के प्लग या थीम्स क्रिएट नहीं कर सकते हूं. एक लिमिटेड टाइम के लिए उनके प्लग या थीम्स होती हैं नेक्स्ट जो वेब ब्राउजर है वो है एच एज जो है Microsoft Windows 10 उसके साथ एक जो वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था जिसका नाम था एच ये बेसिकली विंडोज 10 पर वर्क करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज 10 पे वर्क नहीं करता है वो बेसिकली विंडोज नाइन्टी फाइव नाइन्टी है ना उन पे ही वर्क करता है तो इस एक लिमिटेशन था इंटरनेट एक्सप्लोरर का जिसको रिमूव किया गया एज ऑपरेटिंग वेब ब्राउजर के साथ ओके नेक्स्ट ये तो कुछ बेसिक थे जो टाइम टू टाइम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेवलप किए गए थे वेब ब्राउजर्स अपने नए-नए फीचर्स के साथ क्लियर नेक्स्ट इज सफारी अब सफारी जो वेब ब्राउजर था वो डेवलप किया था 2003 में एप्पल ने है ना एप्पल कंपनी ने अपने सिस्टम्स के लिए अपने जो डेस्कटॉप सिस्टम्स थे उसके लिए उन्होंने सफारी वेब ब्राउजर यूज डेवलप किया था नेक्स्ट इज ओपेरा एंड यूसी ब्राउजर ओपेरा और यूसी ब्राउजर ये वो वेब ब्राउजर से जो बहुत फास्ट वर्क करते हैं मतलब बहुत फास्ट आप इससे डेटा को गैदर कर सकते हो इनकी स्पीड बहुत फास्ट है पोर्टेबल है बट बेसिकली ये कहाँ यूज होते हैं मोबाइल फोन्स पे एंड्रॉइड्स पे यूज होते हैं गया था और 2004 में यूसी ब्राउजर को डेवलप किया गया था ओपेरा जो है वो ए एस ए कंपनी ने डेवलप किया था और यूसी ब्राउजर जो है एक चाइनीज ब्राउजर है जो चाइना जापान में चाइना में डेवलप किया गया था क्लियर तो दिज आर हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउजर्स सो so, होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हर एक वेब ब्राउजर के अपनी फीचर है अपनी स्पीड है अपनी पोर्टेबिलिटी है जिसकी वजह से ये मार्केट में अपनी स्पेस मार्केट में अपने शेयर्स को क्रिएट करते हैं सबसे ज्यादा जो अभी पॉप्युलर वेब ब्राउजर है जो यूज हो रहा है मार्केट में वो है गूगल क्रोम और इसी का ऑल्टरनेट जो एक और वेब ब्राउजर है जो यूज हो रहा है वो है मोजिला फायर होप आपको वेब ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट इज

सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं लाइक like आपको प्लग इन प्रोवाइड करते हैं आप माउस क्लिक से इमेजेस सर्च कर सकते हो कुछ इमेज के फॉर्मेट में भी हाइपर लिंक्स होती है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो है ना वीडियोस, ऑडियोस आप अपडेट कर सकते हो एक्सेस कर सकते हो ब्राउजर्स से क्लियर तो ये कहलाते हैं बेसिकली ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स ओके अब टेक्सट बेस्ड वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर्स वो होते हैं जिसमें कोई ग्राफिकल व्यू नहीं होता है जो ग्राफिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है ना जिसमें आप टेक्सचुअली डेटा को एक्सेस करते हो सर्वर से ओके सो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं फर्स्ट इज ग्राफिकल वेब ब्राउजर टेक्स्ट इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो आर ट्राइवेबल थ्रू द ग्राफिकल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ग्राफिकल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या हुए जिसमें आप टेक्स्ट इमेज वीडियोस ऑडियोस इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो वेब सर्वर से इन्हें कर सकते हो वो ब्राउजर्स कहलाते हैं ग्राफिकल ब्राउजर्स ओके इसके एग्जांपल्स क्या हुए नेटस्केप ओपेरा क्रोम इंटरनेट फायरफॉक्स जो अभी हमने डिस्कस किए दीज ब्राउजर्स आर अवेलेबल फॉर विंडोज एप्पल एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एप्पल मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उन सभी पे ये वेब ब्राउजर सपोर्ट करते हैं वर्क करते हैं नैविगेशन इज अकम्प्लिश बाई पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग विद ऑन हाईलाइटेड वर्ड्स एंड ग्राफिकल ब्राउजर इन यूर कंप्यूटर तो यहाँ पर जो नेविगेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है माउस के आप क्लिक से सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे मूव कर सकते हो सो दिस इज द बेस्ड दिस इज बेसिक ऑफ ग्राफिकल वेब ब्राउजर कि ग्राफिकल वेब ब्राउजर किस पे वर्क करते हैं ऑडियो वीडियो टेक्सुअल जो भी डेटा होता है ग्राफिकल जो पार्ट होता है वेब ब्राउजर का उसको हम एक्सेस कर सकते हैं इन वेब सर्वर से नेक्स्ट इज यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं वेब ब्राउजर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम परिंक है तो सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोर को हमारे सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो फायरफॉक्स की जो लिंक है वो फायरफॉक्स सॉफ्टवेयर की लिंक है डब्ल्यू 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 डॉट मोजिला इस लिंक के थ्रू हम किसको एक्सेस कर सकते हैं किस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं

बिना माउस के वर्क करना होता है हमें सिर्फ कीबोर्ड से एक्सेस करना है हर एक टूल को समझ में आया आपको टेक्स्ट ओनली ब्राउजर को मतलब हमें क्या करना है आपको कुछ नेविगेशन करना है आपको कुछ सर्चिंग करना है तो वो बिना माउस के आपको क्या करना है कीबोर्ड के थ्रू करना है क्लियर तो वो होते हैं टेक्स्ट ओनली ब्राउजर जिसपे सिर्फ की बोर्ड वर्क करता है या हम सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में वर्क कर सकते हैं नेविगेशन इज अकम्पलिस्ट बाय हाईलाइटिंग इन्फेसाइज वर्ड्स इन द स्क्रीन

ब्राउजर्स की जो कॉमनली यूज ब्राउजर्स है जैसा मैं अभी स्टार्टिंग से अभी तक आपको बताती हुई आ रही हूँ कि जो कॉमनली यूज ब्राउजर्स है वो गूगल क्रोम ओपेरा नेटस्केविगेटर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर सो कुछ हमने यहाँ डायग्राम्स भी शो किए हुए हैं होप आप सभी अवेयर है इससे सो so, आज की इस वीडियो में आपको वेब ब्राउजर्स के मैंने कुछ टाइप्स बताए हैं वेब ब्राउजर की कुछ हिस्ट्री डिस्कस किया है कि कब कौन सा वेब ब्राउजर आया क्या उसके फीचर्स थे ओके और वेब ब्राउजर बेसिकली होता क्या है क्यों इसकी जरूरत होती है सो so, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वेब ब्राउजर की

एड्रेसेस के बारे में कि वेब एड्रेस क्या होते हैं यू क्या होती हैं, है ना सो बहुत मेजर टॉपिक है आपका यू जिसके बिना हम नेट पे सर्च नहीं कर सकते हैं. मतलब एवरीथिंग ऑन इंटरनेट इज सेव्ड बाय द यू बाय द एड्रेस ओके सो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो so तब तक के लिए स्टे ट्यून स्टे हैप्पी थैंक यू सो मच